टाइम मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम आता है, या प्रिपरेशन अगर आपने कंप्लीट नहीं की तो उस प्रिपरेशन कंप्लीट ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम ये आता है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता। ये अक्सर स्टूडेंट को पेपर कंप्लीशन का प्रॉब्लम आता है। लोग क्या करते हैं, 80% पेपर कंप्लीट करके आ जाते हैं, कोई 85% पेपर कंप्लीट करके आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 90% पेपर कंप्लीट करके आ जाएगा, कुछ पार्ट छोड़ कर आ जाते हैं और उसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है वो क्लोज 50 में जाकर अक्सर फेल हो जाता है। तो अगर आप पेपर में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करें और कोशिश करें कि यार टाइम प्रॉपरली मैं मैनेज कर लूँ और पूरे 3 आवर्स को यूटिलाइज करके 100 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लूँ, तो आपके पास होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। टिप नंबर वन। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पेपर का पैटर्न देखें, F7 का पेपर का पैटर्न की बात की जाए, तो आपको ये नज़र आएगा कि आपके पास सेक्शन ए आएगा, आपके पास सेक्शन बी होगा, आपके पास सेक्शन सी होगा। अब सेक्शन ए में आपके पास MCQs होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 15 × 2 = 30 मार्क्स। अब आपके पेपर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है मार्क्स का जो कि MCQs के अंदर है। क्या ये आसान है, क्या ये बहुत मुश्किल है, क्या ये रीजनेबल है? तो ये जो पोर्शन है सेक्शन ए वाला, इसमें एग्जामिनर पूरे सिलेबस में से टॉपिक कवर करता है। तो चांसेस क्या हैं कि वो यहाँ पर कौन से एरियाज कवर करेगा? सो ऑब्वियस सी बात ये है कि जो एरिया सेक्शन बी में और सेक्शन सी में वो नहीं कवर कर पाएगा, वो ऑब्वियसली MCQs में वो एरिया कवर करने की कोशिश करेगा। मेनली आप ये दिमाग में रखें कि वो एरियाज सच एज ऐसे IAS जो निगलेक्टेड टाइप के IAS होते हैं ना, जिनको लिफ्ट नहीं कराई जाती ना, वो एग्जामिनर उठा के यहाँ पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल IAS 8, IFRS 13, IAS 41, IAS 2, ये वो एरियाज हैं जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट दिमाग नहीं चलाते और कहते हैं ये F7 में इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एग्जामिनर अगर 5, 6, 7 ऐसे सवाल बना दे तो आपका पेपर उन उसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है। तो उसमें एक सजेशन ये होगी कि ये IAS छोटे भी होते हैं, तो इन IAS के रिविजन किट से कैपलान हो या BPPO, तकरीबन 5, 5, 7 और 8, 8 MCQs आप करके जाएं, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि MCQs को कैसे टैकल करना है। और MCQs में थ्योरेटिकल सवाल भी हो सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर, न्यूमेरिकल सवाल भी हो सकते हैं। और एग्जामिनर जो MCQs में जाएगा तो MCQs के अंदर वो ग्रुप अकाउंटिंग भी लाजमी पूछेगा, ऑल दो उसके पास एक सेपरेट सवाल भी होता है, इसमें रेशोज़ का सवाल भी वो लाजमी पूछ लेता है, ऑल दो उसके पास एक सेपरेट रेशो का सवाल होता है, कैश फ्लो लाजमी आने के चांसेस होते हैं MCQs में, क्योंकि कैश फ्लो नॉर्मली बड़े सवाल में नहीं आता। और इसके साथ फ्रेमवर्क अक्सर जो है आपको नज़र आएगा MCQs के अंदर। ठीक है जी, ये आपका 15 मार्क्स का एक जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें एक टेंटेटिव आइडिया है कि आपका MCQs वाला जो सेक्शन होगा वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, ये सवाल पे हम बाद में बात करेंगे कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो एक अलग बहस है, बिल्कुल आखिर में जाके डिस्कस करेंगे। जब हम सेक्शन बी पर आते हैं तो 3 MTQs यानी कि सिनेरियो बेस्ड 3 सवाल होते हैं और 10 × 3 = 30 मार्क्स, हर सवाल 10 नंबर का होता है। तो वो एग्जामिनर को किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर या मिक्स ऑफ टॉपिक पे एग्जामिनर बना सकता है। जैसे एग्जामिनर चाहे तो एक सवाल उसने क्रिएट किया IAS 16 और 38 और 36 को मिलाकर 10 नंबर का। अब इसमें 5 MCQs हैं, 2 MCQs IAS 16 पे पूछ लिए, एक 38 पे पूछ लिया, 2 36 पे पूछ लिए, तो उसने नॉन करंट एसेट का पूरा एक 10 नंबर का सवाल बनाकर यहाँ पर दे दिया। तो अगर किसी स्टूडेंट ने तीनों स्टैंडर्ड नहीं पढ़े हुए तो वो 1 MCQ ठीक करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, तो उसके स्कोर होने के चांसेस कंपैरेटिवली वीकर होते हैं।
अच्छा यहाँ पर जो चांसेस हैं मेरे हिसाब से, उसमें लाइकली चांसेस ये हैं कि IFRS 9, IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको आपने घोल के पीना है, ये लाजमी आता कहीं ना कहीं, ए में आएगा, बी में आएगा, सी में फाइनल अकाउंट्स में आएगा, कहीं पर भी लाजमी आएगा। तो आज हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो मैंने रखा है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी उसकी है, ठीक है। उसके बाद एक और चांसेस हैं आपके कि वो आपसे IFRS 16 लीजिंग पे सवाल पूछ सकता है सेक्शन बी में, वो आपसे IFRS 15 रेवेन्यू पे सवाल पूछ सकता है इसके अंदर, सही है। तो वो की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाज दफा वो IAS 16 और 38 का एक 10 नंबर का सवाल बना देता है, तो एग्जामिनर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है जो कि सेक्शन बी में पड़े हुए हैं उसके पास। सेक्शन सी पे आ जाएं, तो सेक्शन सी में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं और ये सेक्शन ही स्टूडेंट को टफ लगता है क्योंकि इसके अंदर उन्हें वर्किंग दिखानी होती है, एक्सेल पे प्रैक्टिस करनी होती है, जिसमें सिर्फ एक सवाल आएगा आपका रेशोस पर, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ठीक है जी। एक सवाल आएगा आपका कंसोलिडेशन के ऊपर, सही। एक सवाल आपका आता है फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। अब आप कहेंगे सर वो तो 2 सवाल आते हैं, आपने 3 लिख दिए, तो आते 2 ही हैं, लेकिन वो जो 2 सवाल हैं वो इनमें से मिक्स करके एग्जामिनर बनाएगा। समटाइम्स अगर एग्जामिनर को बड़ा स्ट्रेट पेपर बनाना होता है तो एक पूरा रेशियो का सवाल बना देता है 20 नंबर का, एक कंसोलिडेशन का बना देता है 20 नंबर का, लेकिन आजकल एग्जामिनर ज़रा मिक्सिंग लेके चल रहा है, तो उसमें ये हो सकता है रेशियो प्लस कंसोलिडेशन एक सवाल बना दिया गया, दूसरे सवाल में उसने फाइनल अकाउंट प्लस कुछ कैश फ्लो का पार्ट डाल दिया या कुछ IAS 33 का पार्ट डाल दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज जो है ना वो CRQ के अंदर वो कवर कर ले, और जो स्टूडेंट छोड़ कर गए, मसलन किसी को बताया गया कि जी वो फाइनल अकाउंट तो आजकल आ ही नहीं रहा, तो वो फाइनल अकाउंट छोड़ के चला गया, या जो भी है, समटाइम्स कंसोलिडेशन नहीं पूछता पूरा 20 नंबर का रेशो, पूरा फाइनल अकाउंट 20 नंबर का, तो ये बात जहन में रहे। अगर उसने यहाँ से कोई टॉपिक स्किप किया तो वो टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, ये वाला कंसोलिडेशन आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड्स की अलावा बात कर, जिसके ऊपर लाइकली जो वेटेज है 20 मार्क्स की, वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को पूरी करनी है 20 मार्क्स प्लस। तो अगर वो फॉर एग्जांपल CRQ में नहीं पूछ रहा, तो वो सेक्शन ए में फिर आपको 5, 6, 7 सवाल कंसोलिडेशन के देगा, ताकि वो अपनी वेटेज वहां से पूरी कर ले। तो इम्बैलेंस पेपर भी आ सकता है, लेकिन लाइकली चांस ये होते हैं कि एक बैलेंस पेपर आएगा जिसके अंदर कंसोलिडेशन भी होगी, रेशोज भी होंगी, फाइनल अकाउंट भी होगा, IFRS 9 भी होगा, 16 भी होगा, 15 भी होगा, 12 भी होगा, सारी चीज़ें एग्जामिन करेगा वो। एग्जामिनर के पास पूरा सिलेबस एग्जामिन करने का पूरा मौका है सेक्शन ए के जरिए। वो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर अगर एक एक सवाल भी बनाए ना, तो IAS 2, 8, 10, 12, 16, 18 सब पे सवाल बन सकते हैं, सही जी। तो ये मेरा एक टेंटेटिव आप लोगों को एक गाइडेंस है पेपर पैटर्न के ऊपर, कि पेपर पैटर्न में आपको इस बात का ख्याल रख के जाना है कि आपका एग्जामिनर क्या कर सकता है। अब कोई सवाल है तो पूछे। इस देखें, जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, पहले तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थियोरेटिकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या, ठीक है, ये क्या बताता है और ये है क्या, ये किस तरीके से ऑपरेट होता है। अगर आपको ये थियोरेटिकली क्लियर होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो होपफुली आप जो हैं इसकी कैलकुलेशन भी प्रॉपर ही कर सकते हैं, इसकी थ्योरी भी प्रॉपर लिख सकते हैं। तो IFRS 9 जो है वो अल्टीमेटली हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो भी कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करती है वो कैसे अकाउंटिंग करती, और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है वो कैसे अकाउंटिंग करती, यानी कि हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक इशूअर होता है और एक उसका बायर होता है जो उसको ख़रीद रहा होता है। तो एक बड़ा आसान सा तरीका है कि जो उसको ख़रीदेगा वो हमेशा अपने एंड से क्या रिकॉर्ड करेगा, एसेट रिकॉर्ड करेगा,
और जो उसे इशू करेगा नेचर पे डिपेंड करते हुए, डेफिनेशन पे डिपेंड करते हुए, समटाइम उसे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, समटाइम्स उसे इक्विटी रिकॉर्ड करेगा, और समटाइम उसे कंबाइन करके बोथ रिकॉर्ड करेगा, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर एक कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो वो लाइबिलिटी, इक्विटी या बोथ, और जो खरीदती है वो अपने पास एसेट रिकॉर्ड करती है। सही है जी। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, एबीसी पीएलसी ने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए। अब जब कंपनी ये ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बायर होता है, सही है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता बायर ना हो। तो कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑर्डिनरी शेयर्स को कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है, तो आप इमिजिएटली कहेंगे सर ये इक्विटी साइड पे जाता है। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि सामने अदर पार्टी कौन है। आप कहेंगे वो तो एसेट ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसके लिए वो क्या होगी, अदर पार्टी के लिए, अदर पार्टी के लिए हमेशा क्या होगी, अदर पार्टी के लिए होगी इन्वेस्टमेंट्स। सही है जी। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि एक कंपनी ने फॉर एग्जांपल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, तो आप कहेंगे यार रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में और ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या फर्क होता है, उसके हिसाब से क्या इसका ट्रीटमेंट ऑर्डिनरी वाला होगा या डेट वाला होगा। तो हम जर्नली क्या करते हैं, इसको डेट ट्रीट करते हैं। अगर एक कंपनी ने फॉर एग्जांपल इररिडीमेबल इशू किया तो हम उसकी नेचर देखेंगे और जर्नली इसको भी हम इक्विटी साइड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं होते लेकिन इसको इक्विटी साइड के ऊपर दिखाते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर एक कंपनी ने फॉर एग्जांपल डेट इशू किया, बॉन्ड इशू किया, डेट इशू किया, तो ये क्लियरली हमारे पास क्या होता है, इसको हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, इसको भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है कि इशूअर क्या इशू कर रहा है और स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बताती है कि उसको लाइबिलिटी बुक करना है या उसको इक्विटी बुक करना है। अच्छा, फिर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कन्वर्टेबल डेट इशू करती है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, लाइबिलिटी कंपोनेंट प्लस इक्विटी कंपोनेंट। तो इसका मतलब है इशूअर अपने पास जब भी रिकॉर्ड करेगा तो कुछ पोर्शन वो लाइबिलिटी का रिकॉर्ड करेगा और कुछ पोर्शन वो इक्विटी का रिकॉर्ड करेगा। अब आप नोट कर लीजिए, हाईली लाइकली एग्जामिनेबल टॉपिक है ये, कन्वर्टेबल डेट की अकाउंटिंग। इसमें एग्जामिनर सीधा सीधा भी पूछ सकता है और आपसे एरर भी करवा सकता है कि जी ये गलती हो गई है, आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया था और 1 मिलियन का, और आपने उसको पूरा उठा के डेट में डाल दिया और उसकी फाइनेंस कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो गई, उसकी इशू कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो गई, अब बताएं करेक्शन क्या हो गई। तो ये बात जहन में रखें, स्टूडेंट फंसता वहाँ पर है जब उससे मॉडिफिकेशन करने को कहा जाता है, उससे कहा जाता है गलत चीज़ बन गई है उसकी करेक्शन करो, तो वो सीधा सीधा तो उसे आता है लेकिन जब करेक्शन करने की बात आती है तो वो फंस जाता है। तो उस पर भी आपको एटलीस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहिए के पास पेपर में, अगर कोई इस तरह का सवाल आया तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो बायर है, बायर या तो ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज कर रहा होगा या प्रेफर्ड परचेज कर रहा होगा या डेट परचेज कर रहा होगा या कुछ और परचेज कर रहा होगा, बायर अपने पास इन्वेस्टमेंट ही रिकॉर्ड करेगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब भी आप परचेज करते हैं तो इट विल रिजल्ट इन, ये इसकी डेफिनेशन भी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, ये इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या फिर दोनों और बोथ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर एंटिटी।
ठीक है जी, दोनों अपनी एंड से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स को कैसे डील किया जाता है, तो क्विकली मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। फाइनेंशियल एसेट्स की दो कैटेगरी बनती है, एक एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरी एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ये दो कैटेगरीज बनती हैं। तीसरी कोई कैटेगरी फाइनेंशियल एसेट की इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि हम फाइनेंशियल एसेट में नॉर्मली हमारा जो F7 का केस आता है उसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात करें। अगर हम डेट की बात करेंगे ना तो डेट में कैटेगरी एक और बन सकती है, लेकिन शेयर्स के अंदर नॉर्मली दो ही कैटेगरीज बन सकती हैं। एक तो FVTPL होगी और दूसरी FVTOCI होगी। तीसरी कोई कैटेगरी शेयर्स खरीदने वाले के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। अब ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? तो ये कंपनी की जो इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, ये कंपनी क्यों खरीदा, किस पर्पस के लिए खरीदा, उससे आइडेंटिफाई होता है। और कंपनी चाहे तो डेजिग्नेट भी कर सकती है कि जी इस इंस्ट्रूमेंट को हम इस कैटेगरी के ऊपर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि जी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है? अगर एक इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदा विच इज़ फॉर ट्रेडिंग पर्पस, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तो ये इंडिकेटर है कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ जाते हैं, FVTPL पे रिकॉर्ड करते हैं। और अगर नॉट फॉर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं आप, आपकी इंटेंशन बेचने की नहीं है, तो अल्टीमेटली वो किस कैटेगरी में जाएंगे, वो FVTOCI में जाएंगे। सही, ये आपको सवाल में मेंशन होता है कि जी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में एक एंट्री आती है कि उसने एक एसेट ख़रीदा, उसकी वैल्यू इतनी थी, अब उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है, नो एंट्री हैज़ बिन पास, व्हाट टू डू। कंसोलिडेशन में भी आ सकता है, सिंगल कंपनी में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ है फेयर वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं शेयर्स की, उसमें फेयर वैल्यू ही रिकॉर्ड होती है, यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर उसको बुक करते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो आगे क्या होता है वो डिपेंड करता है। FVTPL का ट्रीटमेंट अलग है और FVTOCI का ट्रीटमेंट अलग होता है, ये आपको पता होगा, इसका आपको आइडिया होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट दो चीज़ों पे डिफरेंट है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है और हाउ टू रिकॉर्ड गेन और लॉस। कोई बताएगा मुझे क्या डिफरेंस है, क्या ख्याल है, एनी आइडिया? अरसलान क्या आइडिया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या फर्क है और गेन और लॉस कहाँ जाता है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाती है सर, ऐड हो जाती है इसमें OCI में, और गेन लॉस कहाँ जाता है, PNL OCI में जाएगा, नॉट फॉर ट्रेडिंग होगा। तो ठीक है जी, तो एक छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, और गेन लॉस की एंट्री आपको याद रखनी है। इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया, गेन को क्रेडिट कर दिया, PNL में क्रेडिट किया, OCI में क्रेडिट किया, ये बहुत आसान सी चीज़ है, मुफ्त में एंट्री आपको मिल सकती है। हाँ, अगर वो आपसे कोई एरर करवा दे कि आपने OCI वाला ट्रीटमेंट किया था और उसका जो गेन था वो आपने जो ना PNL में डाल दिया, उसको एडजस्ट करें, वो फिर आपको देखना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है तो उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को, ये इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हट गया, इशू करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर कि अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो आप पकड़ेंगे कैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो उसकी एक डेफिनेशन होती है विच इज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन।
ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी नहीं होगी. कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और एन अदर फाइनेंशियल एसेट. तो अगर किसी एंटिटी की कमिटमेंट है, उसने अपने ऊपर ऑब्लिगेशन एज्यूम कर ली है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो फिर वो इशूअर अपने पास उस चीज़ को क्या रिकॉर्ड करेगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी. और अगर इशूअर को लगता है कि मेरी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इशूअर अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा? इक्विटी रिकॉर्ड करेगा. ये लाइबिलिटी और इक्विटी को पिक करने का तरीका हो. पहले हम चेक करते हैं, इज देयर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन? नो, देन इट्स एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. तो अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो भी इशू कर रहा है, तो उस फाइनेंशियल लाइबिलिटी की जो क्लासिफिकेशन होती है, कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी एसेट की, तो मैंने दो क्लासिफिकेशन बताई. फाइनेंशियल लाइबिलिटी की जो क्लासिफिकेशन होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल लाइबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल लाइबिलिटी को जब हम रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो हम उसकी क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग पे बात करते हैं. कितनी कैटेगरीज बनती हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की? ये कैटेगरी भी बन सकती है, ये कैटेगरी भी बन सकती है, लेकिन F7 के लेवल के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी की ये कैटेगरी एग्जामिन की जाती है. वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो, वो इसके अंदर जाती है, जो कि F7 के लेवल पे नहीं पूछता वो. तो F7 के लेवल के ऊपर आप समझ लें कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपको दी जाएगी, वो यूजुअली अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी पे जाती है. तो अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी कौन सी होगी? विच इज नॉट फॉर ट्रेडिंग. और इसके ऊपर टेस्ट किया जाता है, जिसको कहा जाता है बिजनेस मॉडल टेस्ट. क्या आपने ये क्यों खरीदा? और दूसरा टेस्ट किया जाता है, विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट. जिससे ये जज किया जाता है कि ये जो लायबिलिटी है, ये किस कैटेगरी में जाएगी. लेकिन हमारे सिलेबस में ये नॉर्मली अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में ही जा रही होती है. इसका मतलब है आपने इस इंस्ट्रूमेंट को टिल मैच्योरिटी होल्ड करके रखा हुआ, सही है? अच्छा, अब अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर मैं आपको एक पास पेपर के क्वेश्चन और एक दो MCQs की तरफ लेके जाऊंगा. अगर किसी के माइंड में IFRS 9 में कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो मुझसे साइड बाय साइड पूछ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि जब आप पहली मरतबा जब आप इसकी एडजस्टमेंट करने जाएंगे, एंट्री पास करने जाएंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेज दैट किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं. किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. फेयर वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट received by issuer. Issuer को कितना अमाउंट रिसीव हुआ नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद इशूअर यह देखता है कि उसको कितना अमाउंट रिसीव हुआ. फॉर एग्जाम्पल, इशूअर ने एक बॉन्ड इशू किया जिसकी पार वैल्यू थी 1 मिलियन. वो बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू हुआ, 5% डिस्काउंट दिया गया, 50,000 आपने माइनस कर दिया, 9,50,000 रिसीव हुए. इशूअर ने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इसमें से डिडक्ट गई, कमीशन वगैरह जो भी था, ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी 20,000.
ईश्वर के हाथ में क्या आया? ईश्वर के हाथ में आया 9,30,000। तो हम ये देखेंगे अकाउंटिंग करते वक्त कि जो इश्यूअर ने बॉन्ड इशू किया है फंड रेजिंग पर्पस के लिए, तो उसके हाथ में 1,000,000 वाले बॉन्ड के अगेंस्ट टोटल 9,30,000 आए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसी के अंदर कैपिटलाइज हो गई। अब इश्यूअर क्या करेगा, इस 9,30,000 की एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट 9,30,000 एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 9,30,000। अब एग्जाम में अगर वो आपको यूं कहते हैं कि उसने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पीएनएल में डाल दिया, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी वजह से जो फाइनेंस कॉस्ट में प्रॉब्लम आएगी उसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ स्टूडेंट फंस जाते हैं और वो थोड़ी सी गड़बड़ करके आ जाते हैं, ठीक है। सो बैंक डेबिट किया, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया 9,30,000 से, ठीक है। अब इसके बाद आप इसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करेंगे, हर साल क्या होगा, हर साल क्या करेंगे इसको, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का जो रूल है वो ये है कि पहली मरतबा तो उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, अब हर साल उसे किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हर साल उसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट निकालते कैसे? अमोर्टाइज कॉस्ट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जो आपने इनिशियल वैल्यू निकाली, इनिशियल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी वो ली आपने 9,30,000, उसमें आपने ऐड करना है फाइनेंस कॉस्ट को, बॉन्ड की जो फाइनेंस कॉस्ट है, और उसमें से आपने डिडक्ट कर देना है अगर आपने ईयर एंड के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया, वो आपने यहाँ पे डिडक्ट कर देना। तो ये आपकी बैलेंस शीट में कैरिड फॉरवर्ड वैल्यू आ जाएगी, जो कि कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी जाएगी। अब एक कन्फ्यूजन ये होती है कि दो दो इंटरेस्ट आ रहे हैं, एक फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, दूसरी जो है वो इंटरेस्ट पेड आ रहा है, तो उसमें रेट का फर्क होता है। ये जो फाइनेंस कॉस्ट हम ऐड करते हैं ये अफेक्टिव रेट से ऐड करते हैं, और ये जो इंटरेस्ट पेड होता है ये जो होता है वो कूपन रेट से होता है। एक सेकेंड जस्ट, जी जनाब। तो ये हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी का तरीका है। अब देखें, एक चीज नोट करें, अगर आप ऊपर से इनिशियल वैल्यू ही गलत ट्रांसफ़र करके आए तो ऑब्वियसली आप नीचे की वैल्यूएशन भी गलत कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात जहन में रखें कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट है अफेक्टिव रेट, ये आप ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू पे लगाते हैं, और इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन हमेशा एक जैसी रहती है। ये इंटरेस्ट पेड हमेशा किस पे लगता है, आपने बॉन्ड की पार वैल्यू लेनी है और उस पार वैल्यू के ऊपर आपको कूपन रेट लगाना है, ये सेम रहेगी हमेशा, ईयर टू ईयर ये सेम रहेगी। जो वेरी करेगी वो ये वैल्यू होगी, क्योंकि ये हर साल ब्रॉड फॉरवर्ड के ऊपर अफेक्टिव रेट लग रहा होगा, ठीक है। बाज दफा एग्जामिनर थ्योरी में पूछ लेता है कि अफेक्टिव रेट और कूपन रेट में फ़र्क क्यों आ रहा है, क्या अफेक्टिव रेट कूपन रेट के बराबर हो सकता है? तो ये इस पर भी आप बात कर सकते हैं अगर पूछना चाहें तो। अच्छा जी, ये वैल्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो कौन सी वैल्यू जाएगी? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये वैल्यू जा रही है। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट पेड वाली वैल्यू डाल दी, तो इसका मतलब है आपने लायबिलिटी को भी अंडरस्टेट किया और प्रॉफिट एंड लॉस को भी अंडरस्टेट किया। फिर आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी और वो उठा के आपको पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये लेके चल, ये 1,000,000 वाला बॉन्ड था, 50,000 के डिस्काउंट पे इशू हुआ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी 20,000, 9,30,000 की आपने वैल्यू रिकॉर्ड करनी थी। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू थी 9,30,000, अफेक्टिव रेट था, कैलकुलेटर आप अपने पास रखें कैलकुलेशन करने के लिए, और कूपन रेट था 6%, सही, ये हमारा डेटा है, चाहिए। एज्यूमिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट वॉज चार्ज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये उसने गलती कर दी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसने पीएनएल में डाल दी और फाइनेंस कॉस्ट उसने रिकॉर्ड कर दी, फाइनेंस कॉस्ट उसने रिकॉर्ड की हुई है, फाइनेंस कॉस्ट उसने रिकॉर्ड की हुई 8%, 950,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, बताएं जी क्या वैल्यू होगी 950,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, वैसे बता दें 76,000। इसने फाइनेंस कॉस्ट कितनी बुक कर दी, 76,000 की। इंटरेस्ट तो उसे वही देना है ना जो कूपन रेट वाला है, उसका मसला नहीं है। अब हम करेक्शन क्या करें, अब हमें करेक्शन करनी, सही करेक्शन हमें जो करनी है वो करेक्शन ये करनी है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसने पीएनएल में डाल दी थी उसको क्या करेंगे, वो पीएनएल में तो नहीं जानी चाहिए, उसने एंट्री पास कर दी होगी कैश क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट से फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है ना, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट करेंगे ताकि वो लायबिलिटी में से माइनस हो जाए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 20,000 थी ना, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा बुक हो गया, तो एक्सपेंस को कम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट करेंगे ताकि वो 9,50,000 से 9,30,000 पे आ जाए। अब उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट जो निकलनी थी वो कितनी निकलनी थी, 9,30,000 मल्टीप्लाई बाई 8%, ये बताएं कितना होगा, 74,400। ठीक है, रिकॉर्ड कितनी हुई हुई है, 76,000, रिकॉर्ड होनी कितनी चाहिए, 74,400, डिफरेंस निकालें 1600, 1600 से आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो ओवर स्टेट हो गई, एक एडजस्टमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1600 से आपकी फाइनेंस कॉस्ट ओवर स्टेट हुई हुई है, यानी कि एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ हुआ है ना तो पीएनएल को क्रेडिट। ये दो एडजस्टिंग एंट्री पास करके इसका अफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में डाल के और करेक्ट अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल के बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जामिनर ऐसे घुमाएगा सवाल को, सीधे सीधे सवाल कम पूछता है, घूमे हुए सवाल ज़्यादा पूछता है और इसमें स्टूडेंट गड़बड़ कर देगा। ठीक है जी, तो आपको ये देखना है कि एरर क्या हुआ, लेकिन एरर वही पकड़ेगा ना जिसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की करेक्ट अकाउंटिंग आती होगी, जिसने अकाउंटिंग ही नहीं सीखी वो एरर कहाँ से पकड़ेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से एक एरिया में और बता दूं, फिर मैं आपको पास पेपर पे लेके चलता हूँ। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का जो ट्रीटमेंट है अंडर IAS 32 लिखा हुआ है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है कि आप इसकी स्प्लिट अकाउंटिंग करते हैं, इसको तोड़ते हैं दो हिस्सों में, बॉन्ड है लेकिन वो बॉन्ड लायबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ बॉन्ड नहीं होता, कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के अंदर लायबिलिटी कंपोनेंट भी होता है और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका इक्विटी कंपोनेंट भी होता है। अच्छा, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मुझे लगता है कि ज़्यादा जान देनी चाहिए, ज़्यादा जान मारनी चाहिए, ज़्यादा वेटेज है उनकी, जिनकी लाइकलीहुड ज़्यादा है, तो मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा, और जिन पे मुझे लगता है कि लाइकलीहुड नहीं है या उस स्टैंडर्ड के अंदर एक स्पेसिफिक मसला है, तो अल्टीमेटली वो स्पेसिफिक मसला जो है ना, वो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ उस स्पेसिफिक मसले को डिस्कस करके आगे बढ़ जाऊँगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड के ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो आपके सामने आ जाए। अच्छा जी, तो अब हाइब्रिड करते कैसे, तोड़ते कैसे लायबिलिटी कंपोनेंट, वो आपको एग्जाम में पूछेगा,
कि लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो आप लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, हम लायबिलिटी कंपोनेंट निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड, ये हमें निकालना पड़ेगा और ये लायबिलिटी कंपोनेंट आ जाएगा। उसके बाद इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इक्विटी कंपोनेंट होगा बैलेंसिंग फिगर जिसको कहते हैं रेजिडुअल, क्योंकि इक्विटी की डेफिनेशन भी यही है रेजिडुअल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया जो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड है 1.2 मिलियन का कन्वर्टेबल। अब आपने उसकी स्प्लिट अकाउंटिंग करना शुरू की तो आपने उसका लायबिलिटी कंपोनेंट निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो आपको अंदाजा लगा कि भाई ये 1120 का आ रहा है। तो अगर 1.2 मिलियन में 1120 लायबिलिटी कंपोनेंट है तो ये बाकी कहां से आया, इसका मतलब है इसको बनाया डिजाइन ही ऐसा किया गया कि आपने इसके अंदर एक अदद इक्विटी ऑप्शन डाला हुआ है। इक्विटी ऑप्शन क्या होता है, इक्विटी ऑप्शन ये होता है कि बॉन्ड खरीदने वाले को आपने राइट दिया हुआ है। किस चीज का राइट दिया हुआ है, राइट टू बाय ऑर्डिनरी शेयर्स। अब वो उसकी चॉइस है कि वो ये राइट यूज करता है या राइट यूज नहीं करता। वो चाहे तो आपसे डेट ले ले, पूरे डेट रिडीम करवा ले, वो चाहे तो आपसे ऑर्डिनरी शेयर्स बाय कर ले। ये बाद में होगा ना, इनिशियली हम ये एज्यूम कभी भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी लिखा हो सवाल में, चाहे डायरेक्टर ये कह दें कि हमें ये कन्फर्म है कि ये कन्वर्ट होगा, कुछ भी लिख दे वो सही है। लेकिन आप इनिशियल अकाउंटिंग कैसे करेंगे, दोबारा सुन लें, लायबिलिटी कॉम्पोनेंट निकालेंगे और जो रेजिडुअल होगा वो रेजिडुअल क्या होगा, वो हमेशा इक्विटी कॉम्पोनेंट होगा। एंट्री क्या पास होगी, जिसने बॉन्ड इशू किया उसे 1.2 मिलियन रिसीव हुआ, लायबिलिटी कंपोनेंट कितना बना, लायबिलिटी कंपोनेंट बना दिस वन, और इक्विटी कंपोनेंट, ये इक्विटी कहाँ जाएगी, क्या ये ओसीआई में जाएगी, कुछ स्टूडेंट इसे जज्बाती हो जाके ओसीआई में डाल देते हैं, ये बैलेंस शीट में जाएगी, ये ओसीआई में नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में ये इक्विटी सेक्शन के अंदर 80,000 चला जाएगा। अच्छा जी, अब ये अकाउंटिंग हो गई, स्प्लिट हो गई। अब जब स्प्लिट हो गया तो स्प्लिट होगा तो इनिशियली इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी होगी। कोई बताए मुझे ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर आई तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई 10,000, बताएं जी व्हाट टू डू विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये तो इक्विटी भी है लायबिलिटी भी है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या करें। हरी अब यार चैट में ना मुझे जाना पड़ता है, लेस कर देंगे, वैसे बता देना चैट में, नहीं वो पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है मेरा। वैसे बताएं ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट बताएं, व्हाट टू डू विद ट्रांजेक्शन, कहां से माइनस करेंगे, फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू से, कौन सी, ओरिजिनल वैल्यू से, नो सर, फेयर से जो इनिशियल किया, जो इनिशिएट किया, इनिशियल से तो नहीं माइनस होती, इनिशियल से तो नहीं माइनस होती मेरे भाई, फेयर वैल्यू से माइनस होती है। किस में से माइनस होती है, बॉन्ड की वैल्यू में से माइनस होती है या इक्विटी की वैल्यू से माइनस होती है, बॉन्ड की, बॉन्ड की। और कोई बताएगा, गलत ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं होता। एनीवन एल्स आइडिया है, वरना मैं बताऊं, सर पार वैल्यू से नहीं होती, देखो वो तो इनिशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना अलग अलग, डेट वाला अलग, इक्विटी वाला अलग, है तो मिक्स हो गया ना, तो जब ये हाइब्रिड हो गया तो इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो एक में से माइनस नहीं हो सकती, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो हाइब्रिड है, खुद सोचो यार, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट एक में से कैसे माइनस होगी। या फिर दूसरा तरीका ये तुम बताना चाह रहे हो कि हम बॉन्ड में से पहले उसकी इशू कॉस्ट डिडक्ट कर दें और उसके बाद स्प्लिट कर लें, ऐसा है, ये तरीका सही है, ये कर लें, ऐसा कर लें, नहीं ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं,
इसको भी स्प्लिट किया जाता है लायबिलिटी कंपोनेंट के ऊपर और इक्विटी कंपोनेंट के ऊपर। जिस तरह हमने ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट को स्प्लिट किया है, वैसे इसको भी स्प्लिट किया जाएगा। 10,000 डिवाइड किया जाएगा। अब रेशो क्या चाहिए, किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा 10,000? इस रेशो में डिवाइड किया जाएगा। देखो डिवाइड करके बताऊं, इश्यू कॉस्ट कितनी है 10,000, लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना है 1.2 मिलियन, टोटल कंपोनेंट कितना है 1.2 मिलियन, ये आंसर बताएं जरा। आंसर बताएं इसका। अरे अब सर 9333 9333, और इसका आंसर बताएं। टेन थाउजेंड में से 9333 माइनस हो गए 667। जी सर। अब देखो लायबिलिटी का आंसर कितना आ रहा था, लायबिलिटी का आंसर आ रहा था 1120000, 1120000 में से 933 माइनस हुआ, ये लायबिलिटी का नेट ऑफ इशू कॉस्ट आ गई, और इसका आंसर आ रहा था 80,000, 80,000 में से 667 माइनस हुआ, ये इक्विटी की नेट ऑफ इशू कॉस्ट आ गई, ये लायबिलिटी की नेट ऑफ इशू कॉस्ट आ गई। ऐसे तोड़ जो भी आंसर आएगा आप इसके अंदर इसको लिख सकते, इसकी अलग एंट्री पास होगी ना, 9333 और 667 की अलग एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी, इशू कॉस्ट हमने पे की है ना, बैंक डेबिट सॉरी पे की है ना हमने। लायबिलिटी को डेबिट करें, इक्विटी को डेबिट करें और बैंक को 10,000 से क्रेडिट करें, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड होगी। अच्छा फिर आएगी इसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। हर साल बैलेंस शीट डेट के ऊपर कन्वर्टेबल बॉन्ड को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की जो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग होगी उसके अंदर जो इक्विटी ऑप्शन होगा उसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग होगी क्या? उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी सब्सिक्वेंट। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और अमोर्टाइज कॉस्ट निकालना मैंने बता दिया था कि आप उसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट डालेंगे, इंटरेस्ट पेड माइनस करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का देखें जी, ये एक प्रीवियस पास पेपर का सवाल है 2011 वगैरह का, और 10 नंबर का एक लाइक एमटीक्यू टाइप का सवाल बना हुआ है, और इसके अंदर इसने IFRS 9 को पूरा एग्जामिन किया है और उसमें तीन चार चीज़ें इसने पूछी हैं। ठीक है, पहला सवाल इसने जो पूछा है वो ये पूछा है कि ये बताएं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल लोन नोट के 5% है, लेकिन जो नॉन कन्वर्टेबल लोन नोट है उसका इंटरेस्ट रेट 8% है, ऐसा क्यों? तो जो कन्वर्टेबल लोन नोट होता है ना, कन्वर्टेबल लोन नोट वो चीपर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल लोन नोट्स, तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट रेट कम देती है, इसलिए कम देती है कि आप उसे एक एडिशनल फीचर दे रहे हैं। वो एडिशनल फीचर क्या है? वो एडिशनल फीचर है कन्वर्जन राइट। तो उस कन्वर्जन राइट की वजह से जो होल्डर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसे ये बेनिफिट हासिल है कि अगर उसे लगा कि शेयर प्राइस बढ़ रही है तो वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेगा, वरना उसको एक कमिटेड अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो आपने उसको एक एडिशनल फीचर दिया है उसकी वजह से
कन्वर्टेबल लोन नोट हमेशा कम इंटरेस्ट रेट पर इशू किए जाते हैं। ये दो लाइन अगर आप लिख दें कि वाई कन्वर्टेबल लोन नोट इज चीपर देन नॉर्मल लोन नोट, तो आपको थ्योरी में मार्क्स मिल सकते हैं। ये रीजन आपको ध्यान में रखें। नेक्स्ट पूछ रहा है, ब्रीफली कॉमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोजल ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ट्रीटमेंट। डायरेक्टर ने ऊपर कोई बात बोली है, वो हम देखते हैं क्या बोली है, उस पर बात करेंगे। पांच नंबर की जो कैलकुलेशन उसने पूछी है, एक्सट्रैक्ट्स बनाएं लोन नोट्स के, फाइनेंस चार्ज के, जो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने हैं। लोन नोट और फाइनेंस चार्ज सितंबर 2011 में उसका एक्सट्रैक्ट बना के दें 5 मार्क्स के लिए। तो ये एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा, तो आप देखें, सवाल देखें। बी इशूड 10 मिलियन कन्वर्टेबल लोन नोट ऑन 1st अक्टूबर 2010 और हमारी रिक्वायरमेंट कब की है, सितंबर 2011। तो इसका मतलब है अक्टूबर 2010, सितंबर 2011, 1 साल हुआ है अभी, आफ्टर 1 ईयर। बाद साहब वो 2 साल के बाद कभी पूछ लेता है, तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो कितने साल के बाद का पूछ रहा है। दैट कैरी अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 5% है। उसने कहा था कि ये 5% क्यों है, दूसरों का तो 8% है, तो हमने उसका आंसर कर लिया। 5% इसका कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट जो होता है। रिडीम ये कब होंगे, 2013 में, यानी कि 11, 12, 13, 3 साल के बाद रिडीम होंगे, कैश के ऊपर या इक्विटी शेयर्स में। अगर ये इक्विटी शेयर्स में होंगे तो 20 शेयर्स मिलेंगे $100 के लोन स्टॉक के ऊपर। तो इसकी कन्वर्जन टर्म्स क्या हुई, 20 शेयर्स पर $100 लोन स्टॉक। तो 10 मिलियन के ऊपर आप नंबर ऑफ शेयर्स आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक लोन नोट इशू हो विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 8%। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और ये 8% इसलिए दिया गया है कि डिस्काउंटिंग करते वक्त हमें इस 8% की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, When preparing the draft financial statement, the directors are proposing, directors क्या कह रहे हैं कि loan note को equity section में डाला जाए। क्यों जी, क्योंकि believe करते हैं कि तमाम loan note holder will choose the equity option when the loan note is due for redemption। देखिए उनके कहने से कुछ नहीं होता, accounting standard ये कहता है कि आप initially इसकी split accounting करेंगे, चाहे director कुछ भी कहते रहे। They further intend to charge a finance cost of 500,000 in the income statement for each year. Finance cost तो effective rate के हिसाब से जाती है ना, तो इस bond का coupon 5% है और इस bond का effective rate ये बनेगा 8%। तो finance cost भी गलत, वो 5% के हिसाब से कह रहा है, वो कह रहा है equity record करो, वो कह रहा है finance cost record करो। तो अगर हम डायरेक्टर का प्रपोजल मान लें तो लायबिलिटी अंडर स्टेट हो जाएगी, अगर हम डायरेक्टर का प्रपोजल मान लें तो फाइनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट भी अंडर स्टेट हो जाएगी। सही है, अगर वो इक्विटी कह रहा है वैसे भी तो फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से आएगी, इक्विटी पर तो फाइनेंस कॉस्ट होती नहीं है, इक्विटी पर तो डिविडेंड मिलता है, तो उसका ये स्टेटमेंट ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो उसका जो स्टेटमेंट है, comment on the impact of director proposal on the financial statement and acceptability of the treatment. तो हम कहेंगे ये as per accounting standard acceptability तो है ही नहीं, IAS says that split accounting होनी चाहिए और finance cost को effective rate से record करना चाहिए, तो director का statement भी गलत है और उसका impact जो होगा liability understate हो जाएगी, finance cost understate हो जाएगी। अगर ये सेक्शन बी में आया तो फिर MCQs में इसने पूछा होगा, क्योंकि ये तो पास पेपर है पुराना जो जिसमें लिखना भी होता था। अच्छा, अब आगे बढ़े, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स दिए हुए हैं 5% भी और 8% भी। 5% इरेलेवेंट है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% से निकलेगा, निकालना क्या है, लोन नोट और फाइनेंस चार्ज निकालना है 1 साल का। तो क्या इसने कन्वर्टेबल लोन नोट को स्प्लिट करके दिया हुआ है क्या, कन्वर्टेबल लोन नोट तो 10 मिलियन का है, तो इसका मतलब है सबसे पहले स्प्लिट अकाउंटिंग होगी।
कन्वर्टेबल बॉन्ड इसने दिया हुआ है आपके पास 10 मिलियन का। स्प्लिट अकाउंटिंग के लिए एक टेबल बना लिया जाए, हियर कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। मैं थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ, आप इसको एन्यूटी टेबल बना के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कितने साल का प्रोजेक्ट है ये? पहला साल, दूसरा साल, 3 साल। सितंबर 2013 में ये रिडीम हो जाएगा, एम आई राइट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालेंगे तो 3 साल तक तो इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और तीसरे साल रिडम्पशन हो जाएगी। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना होगा? 10 मिलियन का 5%, 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन। और रिडीम किसके ऊपर होगा? रिडीम होगा 10 मिलियन के ऊपर। डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 8%, 0.938679, 0.938679। वैल्यूज़ बताएगा कोई मुझे? पीवी की वैल्यूज़ बताएगा कोई मुझे? ताकि हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 0.465। 465। नेक्स्ट 0.43। सही है। नेक्स्ट 0.395। नेक्स्ट 7.9। टोटल कर लें। नाइन पॉइंट 1.75। 9.175। नाइन जी। ये लायबिलिटी कंपोनेंट आ गया। इस कैलकुलेशन में आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिफ होनी चाहिए, इस कैलकुलेशन में आपका एरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए लायबिलिटी कंपोनेंट की। अब लायबिलिटी कंपोनेंट आ गया तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी? बॉन्ड की वैल्यू थी 10 मिलियन। इसमें से आपने इसका लायबिलिटी कंपोनेंट क्या कर दिया? माइनस कर दिया 9.175। तो रेजिडुअल क्या आ गया? 0.825। ये आ गया इसका इक्विटी कंपोनेंट। ये इसकी इनिशियल अकाउंटिंग होगी। और अगर मैं साइड में इसकी एंट्री पास कर लूं तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ? 10 मिलियन। कंपनी ने लायबिलिटी बुक की 9.175 की और कंपनी ने इक्विटी बुक की 0.825 की। ये कंपनी ने अपने पास इसकी अकाउंटिंग फॉर्म कर ली, इनिशियल मेजरमेंट हो गई। अब 30 सितंबर पे जाना है तो बॉन्ड की अकाउंटिंग और इक्विटी की अकाउंटिंग, तो इक्विटी तो अपनी जगह मौजूद रहेगी। सबसीक्वेंट मेजरमेंट 30 सितंबर 2011, इक्विटी की वैल्यू क्या रहेगी? इक्विटी विल रिमेन द सेम, इक्विटी बैलेंस शीट में यही रहेगी, नो चेंज। इक्विटी को हम चेंज नहीं करते। और जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम किस पे ले जाएंगे? उसको हम उठाकर ले जाएंगे अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट निकालें फाइनेंशियल लायबिलिटी की। फाइनेंशियल लायबिलिटी है 9.175, 1 सेकेंड, इनिशियल वैल्यू 9.175। डायरेक्टर कह रहे थे जी 5% से रिकॉर्ड होगा, डायरेक्टर की बात नहीं मानेंगे। हमारी फाइनेंस कॉस्ट किसने से रिकॉर्ड होगी? अफेक्टिव रेट से रिकॉर्ड होगी। बताएं जी अफेक्टिव रेट क्या लगा? 0.734। हाँ जी, आगे बताएं।
इंटरेस्ट पेड कितना होगा, ये फिक्स रहेगा। अच्छा, उसने कहा था एक्सट्रैक्ट बनाए, तो पीएनएल एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी फाइनेंस कॉस्ट, ये इसकी प्रेजेंटेशन है ना। अगर एक्सट्रैक्ट पूछे तो प्रेजेंटेशन फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, 0.734। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट को एसएफपी कहते हैं, तो आप एसएफपी लिखें, मेरी आदत बैलेंस शीट बोलने की है तो मैं बैलेंस शीट लिख देता हूँ अक्सर एसएफपी। तो यहाँ पर आपकी इक्विटी कॉम्पोनेंट, इक्विटी ऑप्शन आ गया, और नीचे आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गई। तो इक्विटी ऑप्शन आपका था 0.825 और फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई 9.409। ये आपने इस 10 नंबर के सवाल को सेटिस्फैक्टरीली हल कर लिया, सही। अब आपको एक टास्क बता रहा हूँ जो आपको करना है, कल तक ट्राई कर लीजिएगा। June 08 का सवाल है, सवाल का नाम है पिग वे या पिंग वे। किट में भी होगा ये सवाल, देख सकते हैं इसको, आप ट्राई कर लें एक दफ़ा, तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। फिर जब मैं फाइनल अकाउंट का सवाल करवाऊंगा तो उसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एडजस्टमेंट आती है, वहाँ आपको फिर दोबारा इसको बताऊंगा कि देखें ये एडजस्टमेंट ऐसे आई है, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूँ पढ़ा था, ये क्या गलती हुई, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ, तो हम उसको हल कर लेंगे इस तरीके से। चलिए जी, एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज IAS 12 टैक्सेशन। ये फाइनल अकाउंट में बहुत ज़्यादा आता है और इसे IAS 16 के साथ मिक्स करके टैक्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फाइनल अकाउंट का अगर कोई सवाल आता है तो उसके अंदर एक एडजस्टमेंट IAS 12 की लाजमी मौजूद होती है। अगर आपको IAS 12 की कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हो तो मेरा YouTube पे एक बहुत अच्छा लेक्चर पड़ा हुआ है IAS 12 का, बिल्कुल बेसिक और कॉम्प्रीहेंसिव, उससे आप अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। देखें IAS 12 जो हमारे सिलेबस में ना बहुत ऊपर ऊपर से एग्जामिन होता है, बहुत डिटेल में जाके एग्जामिन नहीं होता कि आप उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बहुत है तो बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड, लेकिन ऊपर ऊपर से एग्जामिन होता है। तो हमारे सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दो कॉम्पोनेंट हैं इसके, एक तो है इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट कि आप इनकम टैक्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जो करंट ईयर के प्रॉफिट पर लग रहा होता है, और दूसरा एक मसला आता है और वो आता है डेफर्ड टैक्स का कि डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है और डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। जब हम डेफर्ड टैक्स की बात करते हैं तो डेफर्ड टैक्स में दो कंपोनेंट आते हैं, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, एक डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। तो एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी, लायबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे होगी, सही है। और इनकम टैक्स तो नॉर्मली एक्सपेंस की फॉर्म में जा रहा होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की, फिर हम डेफर टैक्स के ऊपर आते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। इनकम टैक्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि एक कंपनी है, उसने इस साल प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जांपल 8 लाख का, उसके ऊपर टैक्स है फॉर एग्जांपल 30%, तो हम 8 लाख का 30% निकाल के ले लेंगे 2,40,000। लेकिन ऐसे नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में, टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास एक नई फिगर आ जाती है और उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर आ गई 8,50,000, तो हम टैक्स रेट इसके ऊपर लगाते हैं 30%, और इस तरह से हमारा टैक्स लायबिलिटी निकलती है कि जी ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है, और हम उस टैक्स लायबिलिटी को उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स एक्सपेंस चला गया और बैलेंस शीट में इसकी लायबिलिटी बुक हो गई। क्यों? क्योंकि टैक्स उसी वक्त पे नहीं होता, टैक्स 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने,
बात पे होता है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको प्रॉफिट दिया जाए और उस प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स लगाएं, और अगर आपको कहा हुआ है कि ये टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट है तो डायरेक्टली टैक्स लगा दें और उसको उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस बुक कर लें। एंट्री क्या पास होगी? टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट। ये इनकम टैक्स की सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग। एक्सपेंस बुक कर लिया जाए और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। कहाँ जाएगा ये? ये चला जाएगा करंट लाइबिलिटी में। बट बता प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने ये एंट्री पास की थी 31 दिसंबर 2019 के ऊपर, तो आपकी जो एक्चुअल टैक्स पेमेंट होती है वो तो होगी 2020 के अंदर, और वो आपकी जब एक्चुअल पेमेंट का वक्त आएगा तो आपकी जो एक्चुअल पेमेंट होगी वो तीन तरह से बन सकती है। या तो एक्चुअल पेमेंट सेम हो, या एक्चुअल पेमेंट ज़्यादा हो, या एक्चुअल पेमेंट कम हो। तो अगर आपकी एक्चुअल पेमेंट सेम हो गई, नो अंडर और ओवर प्रोविजन। तुम लोगों का आइडिया होगा अंडर और ओवर प्रोविजन का कि कैसे आता है। अगर आपकी एक्चुअल पेमेंट ज़्यादा है और आपने टैक्स एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया है तो हम कहेंगे अंडर प्रोविजन, अंडर एस्टिमेशन। और अगर पेमेंट आपकी बुक ज़्यादा हुई हुई है, पेमेंट कम हुई, तो हम कहेंगे ओवर प्रोविजन। अब इस अंडर और ओवर प्रोविजन की वजह से पिछले साल जो टैक्स एक्सपेंस बुक हुआ था वो या तो अंडर स्टेट हो गया, अंडर प्रोविजन का मतलब अंडर स्टेट हो गया, ओवर प्रोविजन का मतलब है ओवर स्टेट हो गया। तो हम ये जो करेक्शन है इसकी करेक्शन करेंगे नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल की वजह से जो अंडर और ओवर आया था उसकी करेक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेक्शन करते हैं? हम दोबारा टैक्स एस्टीमेट बनाते हैं, किसका? 31 दिसंबर की टैक्स लायबिलिटी बुक करते हैं। कर ली बुक लायबिलिटी, अगर उसके अंदर अंडर प्रोविजन होता है तो क्या कर देंगे? अंडर प्रोविजन से लायबिलिटी को बढ़ा देंगे, सॉरी एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। और अगर ओवर प्रोविजन हुआ तो ओवर प्रोविजन से एक्सपेंस को घटा देंगे। ये याद कर लें ये रूल ना, सोचने के बजाय कि अंडर प्रोविजन दिया हुआ है सवाल में तो वो इस साल के टैक्स एक्सपेंस में ऐड होगा, और ओवर प्रोविजन दिया हुआ है तो वो इस साल के टैक्स एक्सपेंस में माइनस हो जाएगा। अब एग्जामिनर एक होशियारी ये करता है कि आपको दे देता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में उसने इनकम टैक्स दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है, ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है, सही है। उसने यहाँ पर आपको दे दिया फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का क्रेडिट साइड पे बैलेंस पड़ा हुआ ट्रायल बैलेंस में, और नीचे कह रहा है कि इस साल का आपने टैक्स एस्टीमेट बनाया 1.2 मिलियन का, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है इस साल की। तो आप बताएं इस साल का एक्सपेंस कितना होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी जाएगी? तो आप कहेंगे जो इनकम टैक्स रखा हुआ है, जो यहाँ इनकम टैक्स रखा हुआ है, ये अंडर प्रोविजन है या ओवर प्रोविजन है, ये कैसे पता लगेगा? तो अगर क्रेडिट पे रखा हुआ है ना तो इसका मतलब है ओवर प्रोविजन। ट्रायल बैलेंस में अगर इनकम टैक्स क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है ओवर प्रोविजन। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको क्या करना है? टैक्स एस्टीमेट ओवर प्रोविजन का मैंने आपको रूल बताया, टैक्स एस्टीमेट उठाया आपने 1.2 मिलियन का, और इसमें से आपने ओवर प्रोविजन को क्या कर दिया, 2 लाख का ओवर प्रोविजन इसमें से आपने डिडक्ट किया, और आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर के तौर पर बुक हो जाएगा। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, यानी कि फाइनल अकाउंट के अंदर अगर टैक्स डालना है तो कितना जाएगा? 1.1 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये जो है दिस इज लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट में
लाइबिलिटी जाएगी टैक्स की, स्टूडेंट क्या करते हैं बैलेंस शीट में भी 1 मिलियन डाल देते हैं, तो बैलेंस शीट अफेक्ट नहीं हो रही, अफेक्ट हो रहा है इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि पिछले साल एक्सपेंस अंडर या ओवर स्टेट हुआ था, लाइबिलिटी अंडर या ओवर स्टेट नहीं हुई थी। तो ये इनकम टैक्स में, ये ज्यादा से ज्यादा मसला इनकम टैक्स में ये आता है, ये आपके पास ये मसला आ रहा होता है। अच्छा, बाज दफा टैक्स एक्सपेंस आने की वजह इनकम आ जाती है, वो भी कोई मसला नहीं, टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं, इनकम होगी तो ऐड कर देंगे। अच्छा, दूसरा जो मसला आता है वो आता है डेफर्ड टैक्स का। अच्छा, डेफर्ड टैक्स का जो मसला है वो इस तरह से आता है, एक सेकेंड जस्ट वेट कीजिए। अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स की बात करते हैं, डेफर्ड टैक्स क्या होता है और डेफर्ड टैक्स हम क्यों बुक करते हैं, डेफर्ड टैक्स की वजह से पीएनएल पे क्या फर्क पड़ता है और डेफर्ड टैक्स की वजह से बैलेंस शीट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, डेफर्ड टैक्स की जो रीजनिंग है ना, डेफर्ड टैक्स एक फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस है, और वो फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस क्यों आता है, वो फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस आता है किस वजह से आता है, वो फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस आता है ड्यू टू टेम्पररी डिफरेंसेस। तो अगर कोई पूछे गया डेफर्ड टैक्स क्रिएट क्यों होता है, क्यों करते हैं उसकी अकाउंटिंग, तो हम कहेंगे जी टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं, उन टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है। वो टेम्पररी डिफरेंस किसके लिए होते हैं, अकाउंटेंट एक चीज़ रिकॉर्ड करता है जिसको टैक्स अथॉरिटी फॉर द टाइम बीइंग एक डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड करवाती है। एक छोटी सी एग्जांपल है टेम्पररी डिफरेंसेस की, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वर्सेस टैक्स डेप्रिसिएशन। हमारे सिलेबस में डेफर्ड टैक्स बहुत डिटेल के अंदर नहीं है, वरना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंटेंट अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है 50,000 का, और टैक्स वाले उसे कह रहे हैं नहीं जी डेप्रिसिएशन तो 60,000 का है, तो एक्सपेंस जो है वो मैच नहीं हो रहा, टेम्पररीली एक्सपेंसेस के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अफेक्ट हो रही है। लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग हो रही है ना, एट द एंड ऑफ द डे तो दोनों का डेप्रिसिएशन बराबर ही आना है, इसलिए हम कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस। अच्छा, एक डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस की वजह से डेफर टैक्स नहीं क्रिएट होता। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, परमानेंट डिफरेंस ये होता है कि हम कहते हैं एक्सपेंस बुक करो, फॉर एग्जाम्पल हमने एंटरटेनमेंट के नाम से एक एक्सपेंस बुक कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 का, टैक्स वाले कहते हैं दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, नॉट अलाउबल, नेवर अलाउबल। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है हमारे प्रॉफिट में और उनके प्रॉफिट में, इसको हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस, और इस परमानेंट डिफरेंस की वजह से नो डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी वजह से कोई डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता। डेफर्ड टैक्स किसकी वजह से रिकॉर्ड होता है, डेफर्ड टैक्स सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस के होने की वजह से रिकॉर्ड होता है बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये जो डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ये जो टेम्पररी डिफरेंस वगैरह की वजह से वैल्यूएशन आ रही है, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये डिफरेंस जो है वो लाइबिलिटी बनाएगा, ये डिफरेंस एसेट बनाएगा, इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, मैंने इसमें रीज़न बता दिया आपको। हम करते क्या हैं, हम टैक्स अथॉरिटी के दरमियान और अपने दरमियान जितने भी टेम्पररी डिफरेंसेस आते हैं वो टेम्पररी डिफरेंसेस ले लेते हैं और उस टेम्पररी डिफरेंस को क्लासिफाई करते हैं। कुछ टेम्पररी डिफरेंस क्या होते हैं, टैक्सेबल, और कुछ टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं डिडक्टेबल।
अब ये कैसे पता लगेगा कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? तो इसके लिए हमें एक कंपैरिजन करना पड़ता है दो चीज़ों के दरमियान, और वो कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, उसका एक रूल है। उसके लिए हम कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट या लायबिलिटी को टैक्स बेस ऑफ एसेट और लायबिलिटी। अब स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि यार कैरिंग अमाउंट क्या होता है और टैक्स बेस क्या होती है। तो मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको। कैरिंग अमाउंट होता है वैल्यू एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि आपने अपनी बैलेंस शीट में जो वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है वो, और टैक्स बेस होती है उसी चीज की वैल्यू एज पर टैक्स अथॉरिटी। तो अगर ये दोनों डिफरेंट आ रही हैं और ये टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंट आ रही हैं, तो उस डिफरेंस को नाम दे देंगे टेम्पररी डिफरेंस, और बाद में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है। मसलन आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा और उसका टेम्पररी डिफरेंस निकाल रहे, तो उसका कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट किया, वो आ रहा है 1,00,000। उसकी टैक्स बेस फाइंड आउट की ए रेंट के ऊपर, वो आ रही है 90,000। तो हमने कहा यार ये 10,000 का टेम्पररी डिफरेंस आ गया। अब हमें ये नहीं बताएगा वो कि ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है। ये हमें खुद जज करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस आता है वो टैक्सेबल होता है या डिडक्टेबल होता है। हम कैसे जज करेंगे? उसके लिए एक रूल लिखवाता हूँ आपको, वो आप जहन में रखें। रूल एसेट का रूल अलग है, लायबिलिटी का रूल अलग है। एसेट का रूल याद कर लें, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट्स टैक्स बेस, तो रिजल्टिंग डिफरेंस क्या होगा? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। और अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट उसकी टैक्स बेस से कम आए तो ये होगा डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। इसी तरीके से अगर आप लायबिलिटी को कंपेयर करें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी अगर उसकी टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी से ज़्यादा आ जाए तो DTD होगा, यानी कि डिडक्टेबल, और अगर कैरिंग अमाउंट कम हो लायबिलिटी का तो वो होगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। F7 के लेवल के ऊपर जर्नली वो इतनी डिटेल में नहीं जाता कि लायबिलिटी अलग से दी हुई हों, प्रोविजन्स हों, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हों और दूसरी लायबिलिटीज हों। वो सिंपल सिंपल डेफर टैक्स पूछता है, तो डिफरेंसेस निकालो, एंट्री बनाओ, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस प्रोसेस के जरिए हम अपने टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आइडेंटिफाई हो गए। मसलन 3,00,000 का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आइडेंटिफाई हो गया, तो हमने क्या करना है, उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है। 3,00,000 को 30% से मल्टीप्लाई किया तो 90,000 की आ गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो रूल क्या बना कि अगर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हो और उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा, फिर आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। और अगर डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस हो उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, और फिर आपको डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए हर साल ईयर एंड के ऊपर हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे पास नेट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस हैं या नेट डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, ताकि हम ईयर एंड के ऊपर ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है या हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है। मसलन आपको एग्जाम में जो फाइनल अकाउंट में सवाल दिया जाता है, उसने ट्रायल बैलेंस में आपको दिया कि आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 50,000। ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस पड़ा हुआ है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी, ये डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है। उसके बाद ईयर एंड के ऊपर वो कह रहा है कि आपके पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस रखे हुए हैं 2,000,000 के और टैक्स रेट है 30%।
तो आपके पास डेफर्ड टैक्स है, ओपनिंग बैलेंस तो लाइबिलिटी में है, क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं पता, तो आप ईयर एंड के डेटा से क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और फिर एंट्री पास होगी। तो हमने कहा कि यार 2 मिलियन का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, 30% इसके ऊपर रेट लगा और 60,000 की, 60 होंगे 6 लाख होंगे, 6 लाख होंगे ना, तो ज्यादा हुए 6 लाख, तो मैं इसको 2 मिलियन की जगह 2 लाख कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब जो मैं एग्जांपल बना रहा हूँ 60,000 ये सही हो जाएगी। सो 2 लाख का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस था, टैक्स रेट 30% लगाया, 60,000 की डेफर टैक्स लाइबिलिटी का, तो ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी का कैरिट फॉरवर्ड बैलेंस आ गया। जब तक ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ना हो एंट्री पास नहीं हो सकती। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी पिछले साल 50,000 की रिकॉर्ड हुई थी और अब इस साल ईयर एंड के ऊपर ड्यू टू टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस डेफर टैक्स लाइबिलिटी 60,000 की होनी चाहिए। तो हमने कहा इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बाय 10,000, ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 इंक्रीज, और इंक्रीज की हमेशा ये एंट्री पास होगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 10,000 से और डेफर टैक्स लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ये एंट्री अच्छी तरह याद कर लें कि जब भी डेफर टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये एंट्री पास होगी, एक्सपेंस डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ये पोर्शन पीएनएल में चला जाएगा और ये पोर्शन उठ के आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटी जाएगी, टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की टोटल लाइबिलिटी होगी 60,000। अब एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आपके पास ओपनिंग भी डेफर टैक्स लाइबिलिटी हो, क्लोजिंग भी डेफर टैक्स लाइबिलिटी हो और डेफर टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है डेफर टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, तो दो सिचुएशन भी कर लेते हैं। लेकिन ईयर एंड के ऊपर डेफर टैक्स लाइबिलिटी खुद निकालनी दी जाती है अक्सर, वो हम एक दो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से होती है। सो ब्रॉड फॉरवर्ड डेफर टैक्स लाइबिलिटी आपको दी हुई है, फॉर एग्जांपल से सपोज 2 लाख की, आपने कैरिट फॉरवर्ड डेफर टैक्स लाइबिलिटी खुद कैलकुलेट की, किस वजह से आई होगी ये, टीटीडी की वजह से आई होगी, ठीक है, और वो आ गई 1,50,000। तो आपने कहा 50,000 से डेफर टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी की एंट्री पास करनी, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे 50,000 से और डेफर टैक्स एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। ठीक है जी, तो इंक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज एन एक्सपेंस और डिक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम। इंक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज डेफर टैक्स एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज एन इनकम। तो ये तो लाइबिलिटी वाला पोर्शन पे बात होगी ना कि लाइबिलिटी अगर आ गई तो ऐसा होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है, एग्जाम में तो एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकती है, ओपनिंग बैलेंस कुछ और दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कुछ और दिया हुआ है, कोई भरोसा नहीं होता, सही। तो हमें खुद सोचना पड़ेगा एग्जाम के अंदर कि आपको क्या दिया हुआ है और किस वैल्यू पे दिया हुआ है। चलें एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में अगर डेफर टैक्स पूछता है एग्जामिनर तो आपको कैसे ट्रायल बैलेंस से डेटा पिक करना है और ट्रायल बैलेंस से डेटा पिक करने के बाद आप कैसे जज करेंगे कि डेफर टैक्स की एंट्री क्या पास होनी है, लायबिलिटी क्या बनेगी एंड सो एंड सो ऑन। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिसंबर 2012 का पास पेपर का सवाल है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू क्विंसी एज एट 30th September 2012।
ये आपको देखें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, इस ट्रायल बैलेंस में लोकेट करते हैं कि आपको टैक्स की वैल्यूज कहाँ नज़र आ रही है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर हमने लोकेट करना शुरू किया तो आपको एक वैल्यू नज़र आ गई, ये डेबिट पे पड़ी हुई है, क्रेडिट पे, डेबिट पे पड़ी हुई, डेफर्ड टैक्स कहाँ रखा हुआ है, क्रेडिट पे। क्या वे जज कर सकते हैं कि ये इनकम टैक्स का, करंट टैक्स का ये अंडर प्रोविजन है या ओवर प्रोविजन है, कोई बताएगा ये अंडर प्रोविजन है या ओवर प्रोविजन है? और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या एसेट है? अंडर, अंडर प्रोविजन है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या एसेट है? क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड पे होगा तो लायबिलिटी होगी, डेबिट साइड पे होगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन देने के बाद उसने एक नोट दिया, क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस ऑन करंट टैक्स रिप्रेजेंट्स अंडर और ओवर प्रोविजन फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 2011। नहीं बताया उसने अंडर है या ओवर है, आपको खुद डिसाइड करना है कि डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है तो अंडर प्रोविजन है और अगर क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है तो ओवर प्रोविजन है। पिछले साल का बता दिया, इस साल का उसने कहा हमें इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाना है 7.4 मिलियन, अंडर प्रोविजन पड़ा हुआ है 1100 का और क्लोजिंग में कह रहा है प्रोविजन बनाना है 7.4 मिलियन का, व्हाट टू डू। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैंने रूल पढ़ा हुआ है, उस रूल के हिसाब से मैं गया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर प्रोविजन 7.4 मिलियन का बनाना है और सवाल में अंडर प्रोविजन दिया हुआ है 1100 का, उस अंडर प्रोविजन को रूल क्या कहता है, ऐड कर दो। तो हमारा इस साल का टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होगा, ये पीएनएल में चला जाएगा और ये हमारा इस साल बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डेफर्ड टैक्स पिक करना चाहें तो डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर पड़ा हुआ है, लायबिलिटी है। अब एंडिंग हमें पता नहीं है क्या है, एंडिंग में वो क्या कह रहा है, 30 सितंबर 2012 पे क्विंसी हैड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 5 मिलियन। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। एनी डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट, ये इसने खुद बता दिया, वैसे ही होता है, समटाइम्स उसको हम किसी और जगह पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनकम टैक्स रेट कितना है, 20%। अब 5 मिलियन का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस दिया हुआ है और 20% रेट दिया हुआ है और ओपनिंग लायबिलिटी है 1200 की। तो इसको हम यहाँ पर डेटा में कॉपी करते हैं और डेटा देखते हैं, आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 1200 की, और कैरिड फॉरवर्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें निकालनी है। इसके लिए आपको TTD दिया हुआ है और इसके लिए आपको रेट दिया हुआ है 20%। तो TTD कितना था, TTD था 5 मिलियन का, तो 5 मिलियन थाउजेंड्स के अंदर ले लिया, 5 मिलियन आ गया, तो ये वैल्यू बन गई 5000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना होता है 1000। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई 1000। तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बाय 200। सो बैलेंस शीट में और पीएनएल का अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाना चाहूं तो पीएनएल एक्सट्रैक्ट जब मैं बनाऊंगा तो उस पीएनएल एक्सट्रैक्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, वो तो हमें नहीं पता, हमने पूरा सवाल सॉल्व नहीं किया। उसमें आपके पास टैक्स एक्सपेंस होगा, करंट टैक्स एक्सपेंस होगा और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा। इसको एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं, टैक्सेशन, और टैक्सेशन की वर्किंग यहाँ पे दिखा देते हैं। करंट टैक्स में कितना अमाउंट जाएगा, करंट टैक्स में हमारे पास अमाउंट जा रहा था 8500, 8500 का एक्सपेंस। डेफर्ड टैक्स में 200 की इनकम आ रही है, डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है ना, तो डेफर्ड टैक्स इनकम बन रहा है, तो ये 200 यहाँ से हमने माइनस कर दिए। नेट कितना जाएगा पीएनएल में, 8500।
300, और ये आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा। IAS 12 ही इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। फाइनल अकाउंट का सवाल उठाया, ट्रायल बैलेंस उठाया, नीचे एडजस्टमेंट देखी, 10 सवाल उठा लें आप पास पेपर के, फिर देखें आपकी IAS 12 पे कैसी ग्रिप आती है ज़बरदस्त तरीके की। और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट में करंट टैक्स पेबल आएगा, करंट टैक्स पेबल में हमारे पास एस्टीमेट फॉर द ईयर, एस्टीमेट फॉर द ईयर हमने बनाया था ये वाला 7400, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस हमने निकाला था 1000, ये आ गया 1000। ये एक्सट्रैक्ट हमारा हो गया कंप्लीट। सो इन दिस वे एक डेफर्ड टैक्स की आपने एक फाइनल अकाउंट के सवाल की एडजस्टमेंट जो है वो निपटा दी। तो इसी तरीके से आप अगर किसी और सवाल की भी एडजस्टमेंट पकड़ेंगे तो आपको हर सवाल में कहीं ना कहीं जो है ना वो नज़र आएगा कि एग्जामिनर ने करंट टैक्स भी पूछा हुआ है, डेफर्ड टैक्स भी पूछा हुआ है, एंड सो एंड सो ऑन। और आप उस पर काम करते जाएं तो आपको अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना वहाँ पर जाके क्लियर हो जाती। अच्छा जी, चलिए एक और डेफर टैक्स की प्रैक्टिस का सवाल देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने अगले इशू की तरफ बढ़ते हैं कि अगला इशू हमारा क्या है। सो अनदर पास्ट पेपर, दिसंबर 2014 का एक सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करना चाहिए लाजमी। सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये देखें जी ये सवाल आपके सामने आ रहा है। हमारा भी एजेंडा सिर्फ क्या है, डेफर टैक्स। अब देखें ये इसने आपको एक अदद समराइज ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 30 सितंबर 2014 पे। सही है जी। अब ट्रायल बैलेंस में आ जाएं, जरा टैक्स पे आ जाएं। टैक्स नजर आ रहा है आपको कहीं? आपको नजर आ रहा है ये रहा आपका करंट टैक्स नोट नंबर 3, क्रेडिट साइड पे पड़ा। क्या होगा ये बगैर सोचे समझे आप नोट 3 पढ़ के क्या कहेंगे, ये क्या है? Am I right? कितनी आराम से पिक कर लिया मैंने, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स नोट नंबर 3 कहाँ रखा हुआ है? क्रेडिट साइड पे। क्या है ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? दोनों हमारे पास क्रेडिट साइड पे पड़ी हुई, और नोट नंबर 3 पे चलते हैं। नोट नंबर 3 आ गया, ये आ गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट नंबर 3। अच्छा जी, नोट नंबर 3 क्या कह रहा है? इस साल आपको प्रोविजन बनाना है 2.4 मिलियन का, इस साल का प्रोविजन आपको बनाना है, और पीछे एक ओवर प्रोविजन रखा हुआ। सही, द बैलेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस इज अंडर और ओवर प्रोविजन, हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, टेम्पररी डिफरेंसेस नोट 2 में भी हैं, नोट 3 के अलावा टेम्पररी डिफरेंसेस नोट 2 में भी हैं। ठीक है, नोट 2 को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नोट 2 को अभी मैं यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहा क्योंकि वो रीवैल्यूएशन वाला है। इग्नोर नोट नंबर 2, जब आप IAS 16 और डेफर टैक्स वाला इम्पैक्ट पढ़ लेंगे ना तो फिर नोट 2 भी डाल दीजिएगा इसके अंदर, मसला नहीं। तो नोट 2 को इग्नोर कर दिया। नोट 3 में कैंडी हैज फर्दर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, कितने एयर एंड के ऊपर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पड़े हुए हैं 10 मिलियन के। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट कहाँ दिया हुआ? इनकम टैक्स रेट है 20%। तो अगर आपके पास 10 मिलियन का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है और इसका रेट है 20%, बल्कि इसको थाउजेंड्स में कर लेते हैं क्योंकि डेटा थाउजेंड्स में होता है ना, गड़बड़ हो जाएगी। 10 मिलियन का मतलब है थाउजेंड्स में, ये इसका 20% कितना होगा? 2000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो हम ओपनिंग बैलेंस में गए और चेक किया कितनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, वो है 2500। तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 2500,
कैरिट फॉरवर्ड हमने खुद निकाली, डेफर टैक्स लाइबिलिटी वो कितनी है, वह है 2000, वही एग्जाम्पल बन गई पिछले वाली, डिक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी बाय 500, ये इनकम बन जाएगी। इसी तरीके से एस्टिमेट फॉर इनकम टैक्स प्रोविजन कितना है, 2.4 मिलियन, टैक्स एक्सपेंस है, प्रोविजन है 2.4 मिलियन, ओवर प्रोविजन माइनस कर दें, पिछले सवाल में अंडर प्रोविजन था तो ऐड हो गया था, ओवर प्रोविजन है 1100 का ओवर प्रोविजन हमने इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया 1300 का एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये इनकम टैक्स का एक्सपेंस है, वो डेफर टैक्स ही इनकम है। तो एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, पीएनएल एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सवाल पूरा सॉल्व होगा, सही है, यहाँ से टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे तो टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलेगा, इनकम टैक्स कितना है 1300, डेफर टैक्स इनकम है ना, तो डेफर टैक्स इनकम आ गई तो डिक्रीज कर दिया 800, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। लेट्स बिगिन, तो हम थे डेफर टैक्स ही डिस्कशन कर रहे थे, और अब एक मसला आता है जब IAS 12 कंबाइन हो जाता है IAS 16 के साथ और डेफर टैक्स कंबाइन हो जाता है रिवैल्यूएशन के साथ, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। रिवैल्यूएशन की वजह से डेफर टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया और रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से डेफर टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसमें देखें एक बात का ख्याल रखना है। मसलन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1200, जब आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकाला तो ये टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से आया होगा, और ये टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से जो बैलेंस आया फॉर एग्जाम्पल वो बन रहा था से सपोज आपका फॉर एग्जांपल 1800, तो डिफरेंस कितना आएगा, 600 का डिफरेंस आएगा, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सही। लेकिन इसके अंदर जो रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से एसेट बढ़ गया था और रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से जो एसेट बढ़ा था उसका इम्पैक्ट था 200 मिलियन का। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो हमारी लायबिलिटी बढ़ी है 600 से, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है, इसमें सरप्लस के ऊपर आप लगाएं टैक्स की परसेंटेज कितनी आई, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी रीवैल्यूएशन की वजह से बढ़ी है, तो 600 में से ये जो लायबिलिटी बढ़ी है 60, बाकी लायबिलिटी किसकी वजह से बढ़ी, ये बढ़ी रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से, ये बढ़ी डेप्रिसिएशन की वजह से। तो हमें क्या करना होगा, हम अपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का स्प्लिट करना होगा कि इसमें कितना इम्पैक्ट जो है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो पीएनएल आइटम नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाता है, OCI में जाता है। तो अगर डेफर्ड टैक्स रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से आएगा तो डेफर्ड टैक्स भी कहाँ जाएगा, डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी कहाँ जाएगा, OCI में। ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर फंसते हैं स्टूडेंट, उन्हें स्प्लिट करना ही नहीं आता कि डेफर्ड टैक्स का कितना पोर्शन वहां जाएगा कितना पोर्शन यहां जाएगा। तो मैं इसको तरीका बताता हूं आपको। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिया, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिया, टोटल टेम्पररी डिफरेंस, डिफरेंस निकाला, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब इस 600 को जब हम रिकॉर्ड करने गए, देखें मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट बाय 600, डेबिट दो चीजें करेंगे,
डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करेंगे। तो आप रीवैल्यूएशन की वजह से जो डेफर्ड टैक्स आया है वो मैंने कितना निकाला है, 60 डाल दें यहाँ पर, तो आपके पास 540 ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इतना अमाउंट पीएनएल में जाएगा डेफर्ड टैक्स का, इतना अमाउंट ओसीआई में जाएगा, ये आपका स्प्लिट इस तरह से निकल सकती है। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से डेफर्ड टैक्स आता क्यों है इसको भी समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एसेट रखा हुआ था जिसका कैरिंग अमाउंट था 1000 और उसकी टैक्स बेस थी 800, सही है? तो कंपनी ने क्या किया, रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल किया और रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर लिया 300 का, तो कैरिंग अमाउंट कंपनी ने पहुंचा दिया 1300 के ऊपर। टैक्स वाले कहते हैं कंसिडर इट फॉर टैक्स पर्पज व्हेन एसेट सोल्ड। तो आपने उनसे पूछा भाई आपकी टैक्स बेस क्या है, तो वो कहेंगे हमारी टैक्स बेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी टैक्स बेस तो अपनी जगह वही मौजूद है 800 की। तो अब ये जो 500 का डिफरेंस आया है, ये 500 का जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आया है, ये किसकी वजह से आया? तो इसका जो डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट होगा निकाल कर हम पीएनएल में नहीं डाल सकते, इसका डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ये ओसीआई में। मेरे यूट्यूब के लेक्चर में एक डेफर्ड टैक्स विद रीवैल्यूएशन सरप्लस की वीडियो पड़ेगी, डिटेल में आप वो वीडियो जाके देख लें, तो उसमें मैंने इस तरह से इसको डिस्कस किया है कि लैंड का अफेक्ट होगा तो कैसे करेंगे और बिल्डिंग का अफेक्ट होगा तो किस तरह से करेंगे। आप ये बात जहन में रखें कि जब भी रीवैल्यूएशन की वजह से डेफर्ड टैक्स आएगा तो डेफर्ड टैक्स पार्टली पीएनएल में जा रहा होगा और डेफर्ड टैक्स पार्टली जो होगा वो आपका बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा पार्टली इधर और पार्टली उधर, ठीक है? बाकी आईएस 16 के अंदर हम जब रीवैल्यूएशन सरप्लस पढ़ेंगे तो मैं उसके साथ एक डेफर्ड टैक्स की एग्जाम्पल भी करा दूंगा, ताकि आपको डेफर्ड टैक्स में ये वाली एग्जाम्पल पे पास्ट पेपर की एक आइडिया भी हो जाए, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस का भी आपको पता लग जाएगा किस तरीके से होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एजेंडा की तरफ, और नेक्स्ट हमारा एजेंडा है IFRS 16। ये भी फाइनल अकाउंट में एक बहुत लाइकली टॉपिक है, लीजेस। ओवरव्यू देता हूँ पहले लीजेस का। लीजेस में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसोर और दूसरा होता है लेसी या लीजी। हमारे सिलेबस में जो अकाउंटिंग आती है वो लीजी की अकाउंटिंग आती है, लेसी की अकाउंटिंग आती है, लेसोर की अकाउंटिंग SBR में पूछता है वो। सो लीज बेसिकली क्या होती है, लीज जब आप किसी से लेते हैं तो आप बेसिकली उससे क्या ले रहे होते हैं, आप उससे ले रहे होते हैं राइट टू यूज एसेट। क्या ले रहे होते हैं, राइट टू यूज एसेट। अच्छा, अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई, वो सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद है, सही है? तो लीज जो होगी वैसे जनरली दो टाइप की होती है, एक फाइनेंस लीज होती है और दूसरी ऑपरेटिंग लीज होती है। आगे जाके मैं उसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो लेसी जो होगा वो अपनी बुक्स में जब इसकी अकाउंटिंग करेगा तो इनिशियली वो आइडेंटिफाई करेगा दो चीज़ें, वो आइडेंटिफाई करेगा लीज ऑब्लिगेशन, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और वो आइडेंटिफाई करेगा राइट टू यूज एसेट, और इसके बाद फिर आपकी कैलकुलेशन चलेगी। देखें, अगर लीजिंग पे 10 नंबर का सेपरेट सवाल बना जिसके चांसेस कंपैरेटिवली कम है तो उसमें ये पूरा फिर लीज ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करवाएगा, राइट टू यूज एसेट कैलकुलेट करवाएगा, लेकिन अगर ये फाइनल अकाउंट में आया
तो वो फिर ऑब्लिगेशन और राइट टू यूज एसेट खुद दे देगा आपसे, सिर्फ इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ये वाली चीजें वो नॉर्मली पूछता है, ठीक है। अब लीज ऑब्लिगेशन क्या होती है और राइट टू यूज एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लीज ऑब्लिगेशन अगर ना दी हुई हो तो लीज ऑब्लिगेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इस पर स्टैंडर्ड क्या कहता है, लीज ऑब्लिगेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस पर जरा स्टैंडर्ड की बात सुनते हैं कि लीज ऑब्लिगेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैं आपको इसका एक एक्सट्रैक्ट शेयर करवाता हूँ, थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट, उससे हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IFRS 16, द बेसिक प्रिंसिपल सेज दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द लीज द लेसी शुड रिकॉग्नाइज अ लीज लायबिलिटी एंड अ राइट टू यूज एसेट, यानी कि लेसी अपनी बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट रिकॉग्नाइज करेगा, एंट्री क्या होगी, एसेट को डेबिट करेगा, राइट टू यूज को डेबिट करेगा और ऑब्लिगेशन को क्रेडिट कर देगा। ये पहली इनिशियल एंट्री लेसी बनाएगा, लेकिन जब वो राइट टू यूज और ये निकालेगा तो इनिशियल मेजरमेंट में उसे राइट टू यूज भी निकालना पड़ेगा और लीज की ऑब्लिगेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले ऑब्लिगेशन पे बात करते हैं। द लीज लायबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स दैट हैव नॉट येट बीन पेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी, नॉट येट बीन पेड, इसका मतलब है अगर कोई एडवांस रेंटल दे दिया गया है तो उस एडवांस रेंटल को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अब वो एग्जाम में गड़बड़ कर सकता है, आपने एडवांस रेंटल भी डाल दिया, लीज ऑब्लिगेशन गलत रिकॉर्ड हो गई, उसको ठीक करो, ये भी हो सकता है। तो इस लीज पेमेंट के अंदर F7 के लेवल के ऊपर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, फिक्स्ड रेंटल आ सकते हैं, ये नॉर्मली रेंटल्स होते हैं जो आपको बता दिए कि जी हम साल इतना रेंटल्स देंगे 5 साल तक, फिक्स रेंटल्स आ गए। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमने कमिटमेंट कर ली कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ या लीज टर्म अगर इसकी रेजिडुअल वैल्यू गिरी तो हम इतना अमाउंट आपको पे करेंगे। अगर हमने उससे ऑप्शन परचेज किया है तो उसकी जो भी प्राइस होगी वो लेंगे, और अगर इसके अंदर कोई टर्मिनेशन पेनल्टीज हो सकती हैं जो हम पे करेंगे और उसकी टर्मिनेशन की लाइकलीहुड देखते हुए हम उसकी टर्मिनेशन भी डाल सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो सिंपल फॉर्म में बेसिकली क्या है, PV ऑफ रेंटल पेमेंट्स, जो भी आपको फ्यूचर में रेंटल पेमेंट्स देनी है उसकी आप क्या निकाल लेंगे, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ जाएंगी किसके बराबर, आपकी लायबिलिटी के बराबर आ जाएंगी। लेकिन जब आप लायबिलिटी निकालने जाएंगे तो लायबिलिटी निकालने के लिए तो आपको एक डिस्काउंट रेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डिस्काउंट रेट कौन सा होगा, उस पर IAS हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि डिस्काउंट रेट शुड बी द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, ये एग्जाम में गिवन होता है। अगर इफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंटिटी शुड यूज इज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, द रेट एट विच इट कुड बोरो फंड्स टू परचेज अ सिमिलर एसेट। नॉर्मली इम्प्लिसिट रेट जो है वो आपको सवाल में दिया हुआ होता है और आपको वो इम्प्लिसिट रेट इस्तेमाल करना होता है, वहां से वो इम्प्लिसिट रेट निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब बात कर लेते हैं राइट टू यूज, राइट टू यूज कैसे निकालेंगे अगर ना दिया हुआ हो तो राइट टू यूज निकालने के लिए जो रूल है वो ये दिया हुआ है रूल राइट टू यूज के लिए। तो राइट टू यूज कैसे निकालते हैं, एसेट की वैल्यू या तो गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो उसमें क्या क्या होगा, द राइट टू यूज एसेट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट टू यूज कंप्राइजेज ऑफ क्या क्या चीजें आएंगी उसके अंदर, अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, यानी कि जो लीज लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी वो तो जाएगी जाएगी उसके अंदर, इसके अलावा वो लीज पेमेंट्स जो हमने एट और बिफोर दी, तो पहली तो चीज हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, और अगर हमने कोई एडवांस पेमेंट दी हुई है पहले से या एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट वो ऐड कर देंगे, अगर लेसी ने कोई इनिशियल डायरेक्ट पेमेंट की है वो ऐड कर देंगे,
और अगर लेसी को किसी एसेट को रिमूव करना है, उसकी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है अगर वो दी हुई है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट अंडर IAS 37 निकाल कर, क्योंकि IAS 37 का टॉपिक है, वो निकाल कर उसका प्रोविजन बनाकर वो भी एडजस्ट कर देंगे। तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालनी है लीज ऑब्लिगेशन, और जैसे ही हमारे पास लीज ऑब्लिगेशन आ जाएगी तो हम उस लीज ऑब्लिगेशन की मदद से क्या करेंगे, हम उस लीज ऑब्लिगेशन की मदद से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि राइट टू यूज एसेट हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, सी दिस, इसके अंदर हम वो कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज लायबिलिटी एंड राइट टू यूज एसेट and provide the double entries needed to record these transactions in financial records. On 1st January 2001, to ye inception of lease ho gayi. At 1st January 2001, Dynamics entered into a 2-year lease for a lorry. The contract contains an option to extend the lease term for a future years. Dynamic believes that it is reasonably certain to exercise this option and useful economic life of 10 years. Asset ki life 10 saal hai aur 2 saal uski lease term hai. Lease payments jo jayengi wo har saal jayengi 10,000 ki and 15,000 jayengi for the option period. Lease payments are 10,000 per annum for the initial terms. Chahiye? और एक्सटेंडेड पीरियड में 15,000 जाएंगे। ऑल पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एरियर्स के अंदर है। टू ऑब्टेन द लीज द कंपनी इनकर्स इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3,000। द इंटरेस्ट रेट विद इन द लीज इज नॉट रेडीली डिटरमाइनेबल। द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 5%। अब आपको क्या क्या दिया हुआ, अब आपको दिया हुआ है रेंटल्स दिए हुए 10,000 एंड 15,000, आपको डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है 3,000 और आपको रेट दिया हुआ है 5%। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये असेस करना है कि इसकी लीज ऑब्लिगेशन कितनी है और इसका राइट टू यूज अल्टीमेटली कितना होने वाला है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से अब एक मरतबा कैलकुलेशन कर लें F7 के लेवल के ऊपर, तो ये आपको अफेक्टिवली जो ना वो इतनी टेंशन नहीं देगा, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लीज की लाइफ कितनी है। तो लीज की लाइफ आप डिटरमाइन करें, 2 ईयर लीज है लेकिन ये 1 साल और एक्सटेंड हो सकता है और रीजनेबली सर्टेन है, तो हम इसको 3 साल एज्यूम करके चलते हैं। तो लीज ऑब्लिगेशन कैलकुलेट कैसे होगी, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। सो यहाँ आपने किए ईयर, कैश फ्लोस, डिस्काउंट फैक्टर, पीवी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 10,000 के रेंटल्स, 10,000 के रेंटल्स और एक्सटेंडेड रेंटल्स आ गए 15,000 के। डिस्काउंटेड कौन सा इस्तेमाल करना है, 5% डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करना है। 5% डिस्काउंट रेट निकाल के ज़रा बताएंगे, पहले साल कितना होगा, दूसरे साल कितना होगा, तीसरे साल कितना होगा। 1/1 + r^n, 2 कर दें, 3 कर दें, 1 मिनट जस्ट वेट करें, होल्ड करें। जी बोलें, वैल्यू बताएं। 0.952 0.907 0.907 0.863, मल्टीप्लाई कर दें। नाइन फाइव टू ज़ीरो नाइन ज़ीरो सेवन ज़ीरो
और 12958, इसकी पीवी निकाल, फाइंड आउट द पीवी। 31552 क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। तो ये हमारा लायबिलिटी कंपोनेंट आ गया। याद है कन्वर्टेबल डेट में भी हमने ऐसे ही कैलकुलेशन की थी, तकरीबन मिलते जुलते कैलकुलेशन। तो पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन हमारे पास यहाँ से आ गई, ठीक है। अब राइट टू यूज एसेट निकालना। राइट टू यूज एसेट वेरी करेगा, क्यों वेरी करेगा? क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी है, सही है, वरना एक ही चीज होती। तो राइट टू यूज एसेट आपने निकाल लिया, 31548 है ऑब्लिगेशन, तो 31548 है। चले वो तो राउंड, वो तो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है ना, वो तो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, उसका मसला नहीं, वो चलता है। ऑब्लिगेशन आ गई 31548, तो मैं 50 ले लेता ना, दोनों के बाद चल जाएगी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इसमें ऐड कर दें 3000, 34550, ये राइट टू यूज आ गया आपको, सही है। एंट्री पास करें, राइट टू यूज डेबिट 34550, ऑब्लिगेशन क्रेडिट 31550, कैश जो हमने डायरेक्ट कॉस्ट का पे किया 3000, वो हो गया क्रेडिट। ये आपकी इनिशियल असेसमेंट होगी। मोस्ट लाइकली चांसेस है कि वो इनिशियल असेसमेंट आपकी यही करेगा, मोस्ट लाइकली चांसेस। अब अल्टीमेटली हमें जाना है इसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के ऊपर। तो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और उसमें इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेंटल्स को स्प्लिट कैसे करते हैं, एरियर्स का केस क्या होता है, एडवांस का केस क्या होता है। एडवांस में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स को, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आ जाते हैं। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या होगा, हर साल आपका रेंटल जा रहा होगा और वो रेंटल में इंटरेस्ट भी शामिल होगा, तो आपको रेंटल और इंटरेस्ट को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा और उसको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन आप जो भी एंट्री पास करेंगे अल्टीमेटली, तो उसका तरीका ये है कि आप अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दें बाय फाइनेंस कॉस्ट, जितने भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है उससे अपनी लायबिलिटी को बढ़ा दें, और रिड्यूस कर दें लायबिलिटी को किससे, रेंटल पेड से। तो आपकी दो एडिशनल एंट्रीज बन सकती हैं। पहले आप एंट्री पास करेंगे किसकी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, पीएनएल में चला जाएगा इंटरेस्ट, और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। किसी और तरीके से भी एंट्री पास की जा सकती है, ये भी एक वैलिड तरीका है। और उसके बाद लीज ऑब्लिगेशन डेबिट कर दें, और रेंटल आपने पे कर दिया तो बैंक को क्रेडिट कर दें। पहली एंट्री हमने बना ली थी इनिशियल, दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, और चौथी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड राइट टू यूज क्रेडिट हो जाएगा यहाँ से। और अगर हमने पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैलकुलेट की थी, तो ये बात ध्यान में रहे कि फिर वो प्रोविजन की अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगी, जिसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट इस सवाल में नहीं होगी, और प्रोविजन क्रेडिट अगर डिसमेंटलिंग आई थी, या ये 37 की डिसमेंटलिंग वाली एडजस्टमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। अगर आपको रेंटल दिया हुआ है तो रेंटल को स्प्लिट कैसे किया जाएगा, एनी आइडिया, रेंटल को स्प्लिट कैसे करते हैं? तो हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है एक्चुरियल मेथड, सही है।
और उस एक्चुरियल मेथड के लिए हम एक लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं, उसका एक प्रोफॉर्मा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, और फिर एक सवाल में उसका लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना के आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ये एक प्रोफॉर्मा है, प्रोफॉर्मा आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ये प्रोफॉर्मा जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग होता है। क्या अजम्पशन ली हमने कि ईयर एंड के ऊपर रेंटल पे हो रहा है, तो आपने क्या लिया, पहले ईयर ले लिया, ब्रॉड फॉरवर्ड लाइबिलिटी ले ली, उस पर इंटरेस्ट की परसेंटेज लगाई, पेमेंट दिखा दी लीज की, और ये आपकी कैरिड फॉरवर्ड लाइबिलिटी हो गई, ये आपकी क्लोजिंग ऑब्लिगेशन जो कि बैलेंस शीट में जानी है, और उसको नॉन करंट और करंट में स्प्लिट किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी, जिसमें नॉन करंट एलिमेंट कितना होगा और उसके अंदर करंट एलिमेंट, याद रहे ये लीज ऑब्लिगेशन को करते हैं, सही है, लीज ऑब्लिगेशन जो भी आपने इनिशियली रिकॉर्ड की है उसको आप लेके चलते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं, से सपोज हमारे पास पीवी ऑफ लीज पेमेंट है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट है 5710, इंसेप्शन ऑफ लीज हमारे पास है 1 जनवरी 2002, रेंटल हमारे पर एनम जा रहे हैं एरियर्स के अंदर 2000 के हमें रेंटल पे करने पर एनम, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है 15%, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है 15% पर एनम, तो 31 दिसंबर 2002 पर एक्सट्रैक्ट बनाते, आइडियल ये फाइनल अकाउंट की पोजीशन है कि आपसे फाइनल अकाउंट में पूछ लेता है कि आप ये बताएं पीएनएल में कितनी फिगर जाएगी, बैलेंस शीट में कितनी फिगर जाएगी, तो आप यहाँ से उठा के उसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, लीज पीरियड नहीं दिया हुआ, लीज पीरियड में यहाँ पे ले लेता हूँ, लीज टर्म 4 साल है, तो डेप्रिसिएशन कितने साल पे बुक होगा, 4 साल पे बुक होगा। ऑब्लिगेशन को हम एरियर्स वाला ट्रीटमेंट यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, एयर ऑब्लिगेशन एट स्टार्ट, इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, और पेमेंट होगी, और कैरिड फॉरवर्ड ऑब्लिगेशन आ जाएगी। सो पहले साल आपकी जो लीज ऑब्लिगेशन है यही राइट टू यूज होगी, अगर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दी हुई तो 5710, इंटरेस्ट रेट है 15%, इसका 15% निकाल कितना होता है, 857, ये होता है इसका 5710 का, 857 ही होता है जी जी, 2000 माइनस करें 5710 में, प्लस करें 857 और 2000 माइनस करें, एंडिंग बैलेंस निकालें 4567। बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी जानी चाहिए, 4567। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये तो टोटल ऑब्लिगेशन है ना, इसको हमें स्प्लिट करना होता है बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, तो उसके लिए हम एक साल इसको और एक्सटेंड करते हैं। ओपनिंग ऑब्लिगेशन कितनी आ गई, 4567, इसका 15% निकाला 685, 2000 माइनस किए, अब एंडिंग ऑब्लिगेशन कितनी आ रही है, 3252। अब यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, हमें 4567 का ब्रेकअप करना है, तो 4567 और ये हमारी NCL होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना हमारा, वो करंट लायबिलिटी होती है 4567, जो कि एक साल में पे ऑफ हो रही होती है। कितनी करंट ऑब्लिगेशन हो गई,
1315 ये हमारी करंट लायबिलिटी में चलेगी। तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का हमने टोटल किया 3252, तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास बननी चाहिए 4567। ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट बनाएं, पीएनएल के अंदर जो वैल्यू है उसमें डेप्रिसिएशन जाएगा राइट टू यूज एसेट के अगेंस्ट, तो राइट टू यूज हमारा कितना था, जितनी ऑब्लिगेशन थी उतना ही राइट टू यूज होगा इस सवाल में, और राइट टू यूज था 5710। 5710 को 4 से डिवाइड कर दें यूजफुल लाइफ के ऊपर, डेप्रिसिएशन बताएं कितना आएगा, 1427.5 का मतलब होता है 1428, इन दोनों को प्लस कर लें, ये एक्सपेंस आ गया हमारा 2285। SFP पे आ जाएं, SFP में राइट टू यूज एसेट आ जाएगा, तो राइट टू यूज एसेट आया 5710 -857, ये इसकी बुक वैल्यू आ गई। ये बताएं दोबारा, फाइनेंस कॉस्ट थी 857 और डेप्रिसिएशन कितना था 1427, ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी आई, 4282। ये एसेट साइड हो गए। लीज ऑब्लिगेशन का लॉन्ग टर्म पोर्शन और लीज ऑब्लिगेशन का करंट पोर्शन, ये IAS की रिक्वायरमेंट है कि आपको लीज को स्प्लिट करके दिखाना होगा। इस पे कैश फ्लो में MCQs भी आ सकते हैं, रिमेम्बर कैश फ्लो में लीजिंग वाली कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, डेफर्ड टैक्स वाली कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है। ये आपकी एक बेसिक एग्जांपल हो गई जिसमें हमने एरियर्स वाला मसला जो है हल कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, एडवांस का केस आ जाए फॉर एग्जांपल, तो एडवांस में थोड़ा सा आपका जो प्रोफार्मा होता है वो आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नथिंग एल्स, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा सा प्रोफॉर्म आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। और इस पर नज़र डालें तो अगर पेमेंट एडवांस में जा रही है, पहले तो आपने करेक्टली लीज ऑब्लिगेशन निकालनी है, राइट टू यूज एसेट निकालना है, फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड ऑब्लिगेशन, उसमें से आपने पेमेंट माइनस की, इमीडिएटली सब टोटल आ गया, उसके ऊपर यह आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लग रहा होगा, एंड this plus this becomes आपकी ending obligation, ये interest के साथ obligation आ रही है, ये lease की obligation होगी और ये lease plus interest की obligation होगी, और ये interest जो है आपका वो PNL में जा रहा होगा। ये इसी तरह से split करके हम lease obligation आराम से इसमें से calculate कर सकते। अब फाइनल अकाउंट में अगर सवाल आता है फॉर एग्जांपल, तो फाइनल अकाउंट के अंदर जो कैलकुलेशन आती है नॉर्मली, उसको ज़रा देख लेते हैं।
अच्छा जी दोबारा सुनो. ऑन 1 अप्रैल 2007 फिनो इंक्रीज द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स प्लांट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर. फिनो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू लीज द प्लांट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. 1 अप्रैल 2007 हमारी इंसेप्शन की डेट हो गई. द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी वॉज, ये दी हुई है उसने गिवन है. द लीज रिक्वायर्ड 4 एनुअल रेंटल पेमेंट इन एडवांस ऑफ 100,000 कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल. कौन सा केस बना? एडवांस का केस बन गया. 1 अप्रैल 2007 को आपने एडवांस रेंटल दिया. द इम्प्लिसिट रेट इज 10%. द लीज डज नॉट ट्रांसफर ऑनरशिप बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म एंड देयर इज नो परचेज ऑप्शन. और व्हाट पीरियड शुड फिनो डेप्रिशिएट द राइट टू यूज एसेट. तो जो डेप्रिसिएशन हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं लोअर ऑफ लीज टर्म और एसेट्स यूजफुल लाइफ. तो कितने साल की लीज है ये? मेंशन नहीं है. पहला ऑप्शन है फ्रॉम द कमेंसमेंट टू द एंड ऑफ द लीज टर्म, फ्रॉम द कमेंसमेंट टू द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, फ्रॉम द कमेंसमेंट टू द लॉन्गर ऑफ, फ्रॉम द कमेंसमेंट टू द शॉर्टर ऑफ. तो आंसर क्या होगा? लोअर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ, विच एवर इज लोअर. द फिनो इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 20,000, रिवाइज लीज इंसेंटिव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टोटलिंग 7,000. After 4 years, it will have a dismantling the plant at an estimated cost of 15,000. The discounted cost दी हुई. Right to use कितना होगा? Obligation दी हुई ऊपर हमारे पास. तो right to use बताएं कितना होगा? तो राइट टू यूज़ कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा जो है हम यहाँ ले लेते हैं ताकि हम इसका राइट टू यूज़ कैलकुलेट कर लें. इसे कॉपी कर लेते हैं. आप मीन टाइम मुझे कैलकुलेट करके दें इसका राइट टू यूज़ कितना. राइट टू यूज़ का फॉर्मूला लिखा था ऊपर, क्या क्या चीज़ें राइट टू यूज़ में आती हैं बताएं जी. इसका राइट टू यूज़ क्या होगा? प्लीज लाइब्रेरी दी हुई 350, सही सवाल में. ऑब्लिगेशन कितनी थी? 350. डायरेक्ट कॉस्ट ऐड होती है. डायरेक्ट कॉस्ट 20,000. पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये ऑलरेडी पीवी निकाल के दी हुई है, वो ऐड हो जाएगी 15. इंसेंटिव डिडक्ट हो जाते हैं. लीज इंसेंटिव अगर कोई मिला वो डिडक्ट हो गया. तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 378. राइट टू लीज. अच्छा जी चलते हैं आगे बढ़ते हैं. दोबारा आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी व्हाट इज द अमाउंट दैट शुड बी शोन अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस. अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटीज निकालनी है तो नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी आएंगी? तो नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा. एरियर्स का केस है या एडवांस का केस है? एडवांस का केस है ना. ठीक है जी. तो सवाल में आपकी जो इनिशियल ऑब्लिगेशन थी, वो इनिशियल ऑब्लिगेशन थी सवाल के अंदर जो हमने निकाली थी,
उदी भी थी। तीन लाख पचास हजार। ये जो इनिशियल ऑब्लिगेशन निकाली गई होगी, क्या इसके अंदर एडवांस शामिल होगा? इनिशियल ऑब्लिगेशन के अंदर 10,000 का जो एडवांस दिया हुआ, क्योंकि नो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इनिशियल का, तो उस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसे लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन इग्नोरिंग दी इनिशियल पेमेंट। सही है? तो अब हमें जो इंटरेस्ट लगाना है वो किस वैल्यू पे लगाना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे करनी पड़ेगी? 3,50,000 पे करें। या 3,50,000 में से 10,000 माइनस करें जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, और उसमें से करें। बताएं क्या ख्याल है? तो हमने अगर पेमेंट कर दी है तो हमारी जो लायबिलिटी है वो 3,50 रहेगी ना, ऑब्लिगेशन। एडवांस तो हमने पेमेंट कर दी है, तो हमारी पहले साल में जो ऑब्लिगेशन उसने निकाल के दी है वो फ्यूचर में आने वाली ऑब्लिगेशन से निकाल के दी, 3,50,000 में से। तो हमारा इंटरेस्ट रेट हमने आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से हमें अपनी पेमेंट निकालनी है। एक सेकेंड रुके, मेरी जरा विंडो हैंग हो गई है, 1 मिनट। हेलो, जी सर, हो रही है हो रही है ना? चलिए जी जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेशन की है ना, ये कैलकुलेशन हमने बिगनिंग पे की है। कितनी कैलकुलेशन की हुई है? 350 डाउन पेमेंट इग्नोर करके कैलकुलेशन की। ठीक है, तो हमने जो डाउन पेमेंट दी है, देनी है, वो बिगनिंग में देनी है। डाउन पेमेंट कितनी? 1 लाख की। 1 लाख आपने माइनस किया, सम टोटल कितना आ गया? 250। ये आपका ईयर एंड के ऊपर लीज की ऑब्लिगेशन आ गई पहले साल के एंड के ऊपर। अच्छा, इंटरेस्ट कितना लगना था? इंटरेस्ट की परसेंटेज सवाल में दी हुई थी। सवाल से अगर हम इंटरेस्ट की परसेंटेज देखें, याद है कुछ क्या थी? इंटरेस्ट की परसेंटेज थी 1 मिनट, क्वेश्चन में देख लेते हैं इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या थी। इंटरेस्ट की परसेंटेज थी हमारे पास 1 अप्रैल को इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे थे वो था 100,000, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को इंटरेस्ट पे हो रहा था 100,000 पर, सॉरी, रेंटल पे हो रहा था 100,000 पर एनम, और इंटरेस्ट की परसेंटेज सवाल में दी हुई थी 10% पर एनम। सही? अब देखिए हमारा ईयर एंड कहाँ पर खड़ा हुआ है, 1 साल के बाद आया है, 6 महीने के बाद आया? सवाल की रिक्वायरमेंट दिया हुआ है 30 सितंबर के ऊपर, बताएं कि क्या होगा। तो हमारा ईयर एंड अप्रैल के बाद 30 सितंबर पे आ गया। कितने महीने के बाद ईयर एंड आया हुआ है? 6 महीने के बाद ईयर एंड पर आया हुआ है। तो हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, वो कितना बनेगा? 250 × 10% कितना हो गया? 25। उसको 6/12 करें तो ये हो गया आपका 12,500 या 12.5। तो आपका 250 के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 12.5, तो ये हो जाएगा 262.5। 6 महीने बाद की अकाउंटिंग हो गई, तो 6 महीने के बाद की अकाउंटिंग हो गई। ईयर एंड के ऊपर आपकी लायबिलिटी पड़ी हुई है 250 की। बैलेंस शीट में आपको स्प्लिट करके दिखाना है। अब स्प्लिट कैसे करें? तो स्प्लिट करने के लिए जो आपकी अगली अकाउंटिंग होगी
वो हमें देखनी पड़ेगी विद इन वन ईयर अकाउंटिंग आपकी क्या होगी। तो ये हम 30th September पे पहुंच चुके हैं। अगली जो आपकी पेमेंट होगी वो 1st April के ऊपर होगी। दूसरी जो पेमेंट आपको दिखानी है वो दिखानी है 262.5 - 100, ये 1st April पे पेमेंट हुई एक साल के बाद, और बैलेंस आ गया 162.5। इंटरेस्ट वही रहेगा पूरे साल का 12.5, और टोटल ऑब्लिगेशन कितनी हो जाएगी 175। तो हमारी ऑब्लिगेशन कितनी थी सितंबर पे, इतनी इंटरेस्ट मिला के, इंटरेस्ट के बगैर इतनी थी। तो हम करंट लायबिलिटी में क्या लिखेंगे और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? तो नॉन करंट लायबिलिटी जो हमारी शो होगी वो होगी 175, और करंट ऑब्लिगेशन हमारी जो शो होगी विथ इंटरेस्ट 262.5 - 175.5, जरा माइनस करें कितना होगा 87.5। 87.5 में इंटरेस्ट भी शामिल है। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं। अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो इसके अंदर 12.5 का इंटरेस्ट शामिल है, तो 70 की आपकी करंट ऑब्लिगेशन लीज की हो जाएगी और 175 आपकी नॉन करंट ऑब्लिगेशन हो जाएगी। एग्जामिनर की प्रैक्टिस ये है कि एग्जामिनर नॉन करंट लाइबिलिटी को और करंट लाइबिलिटी को इंटरेस्ट के साथ ही लिख देता है। अब ये प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो कोई मसला वाली बात नहीं, लेकिन इस सवाल में ये जो एडवांस वाला केस बना ये 6 महीने का केस बना था, और 1 साल का केस बनेगा तो हम 1 साल पे जाएंगे, 6 महीने का केस बनेगा तो हम अकॉर्डिंगली 6 महीने पे जा रहे होंगे। ठीक है जी, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके पास लो वैल्यू आइटम आ जाते हैं। लो वैल्यू आइटम अगर आपके पास आते हैं, क्या आपकी जो लीज है वो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, लो वैल्यू हो या शॉर्ट लाइफ लीज हो, ठीक है, विद इन 1 ईयर वाली लो वैल्यू आइटम या 1 ईयर वाली लीज हो, तो उसको फिर हम फाइनेंस लीज की जगह टिपिकल ऑपरेटिंग लीज की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसमें एसेट लायबिलिटी डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट सब ख़त्म हो जाता है, और उसको सिंपली क्या करते हैं, जितना भी हमें रेंटल पे करना है उस रेंटल को हम उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग है ये, नो एसेट, नो ऑब्लिगेशन। जब एसेट और ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन होगा, नो इंटरेस्ट। चारों चीज़ें ख़त्म हो गई, सिर्फ एक चीज़ बची और वो है रेंटल, और उस रेंटल को इंटरेस्ट और कैपिटल रीपेमेंट में स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं। शॉर्ट लीज या लो वैल्यू आइटम, जैसे बहुत ही कोई छोटा मोटा आइटम आपने लीज पे लिया तो उसके लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक लीज का हमारा हो गया ओवरव्यू। इसके अंदर लीज सेल एंड लीज बैक का भी एक टॉपिक है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता F7 में, लेकिन बाज़ दफ़ा उसके ऊपर भी कोई ना कोई कैलकुलेशन वगैरह आ सकती है। अगर हमें टाइम मिला तो हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन जो एजेंडा है हमारा वो ये है कि जो मेन चीज़ें आती हैं उन मेन चीज़ों को एटलीस्ट टच किया जाए और उसको डिस्कस किया जाए, और साथ साथ हम जो है वो थोड़े से पास पेपर्स भी निपटाएंगे, पास पेपर के साथ जो MCQs आएँ कोशिश करेंगे कि उन MCQs को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाए। और अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा जो है ना
वो मेजर जो नेक्स्ट एजेंडा हमारा है वो है ग्रुप अकाउंटिंग का। तो हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप अकाउंटिंग के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव हम डिस्कशन करें। तो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को ये काम करना है, आप लोगों ने ग्रुप अकाउंटिंग तो पढ़ी हुई होगी किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से पढ़ी हुई होगी। आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को अपने ग्रुप अकाउंटिंग में जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जैसे किसी को गुडविल में प्रॉब्लम आता है, किसी को एनसीआई में प्रॉब्लम आता है, किसी को रिटेन अर्निंग में प्रॉब्लम आता है, किसी को इनकम स्टेटमेंट में इंट्रा ग्रुप डिविडेंड में प्रॉब्लम आता है, किसी से ये निकलता किसी से वो नहीं निकलता, वो आइडेंटिफाई करके रखें। और अगर किसी स्पेसिफिक सवाल में मसला है वो भी आइडेंटिफाई करके रखें। और मैं आपको फिर कुछ ऐसी सिंप्लीफाइड टेक्निक बताऊंगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल को कितनी जल्दी स्पीड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और अल्टीमेटली आपका सवाल भी ईजिली कम्प्लीट हो जाए। ये टास्क है आपका जो कि आपको ग्रुप अकाउंटिंग का करके रखना है ग्रुप अकाउंटिंग की क्लास से पहले। ख़ास तौर पर इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की जो एडजस्टमेंट आती है उस पर फोकस रखें, क्योंकि अक्सर एडजस्टमेंट में दो तीन एडजस्टमेंट ऐसी आती हैं जो स्टूडेंट से नहीं हो रही होती और उसकी वजह से वो उसका पेपर में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो हम कुछ करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सवालात, और उसके अंदर हम बैलेंस शीट वाले सवालात भी करेंगे, इनकम स्टेटमेंट वाले सवालात भी करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी को भी टच किया जाए, हम कोशिश करेंगे एसोसिएट को भी टच किया जाए, इनकम स्टेटमेंट में भी एसोसिएट को टच किया जाए और बैलेंस शीट में भी एसोसिएट को एटलीस्ट टच कर लिया जाए। अच्छा जी, थोड़ा सा जो है वो एक हल्का सा एक आइडिया हम आज थोड़ा सा और ले लेते हैं। चलें, इंस्टेड कुछ नया डिस्कस करने के बजाय एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, 2019 का एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। शेयर हो रहा है सवाल आप लोगों के सामने? जी सर। यस इसका एक हार्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो आज का हमारा IFRS 9 का एजेंडा था। तो एक MCQs IFRS 9 का हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, 5वां इसका MCQ है और ये इतना सारा डेटा दिया हुआ है 5 सवालों के लिए। लेट्स सी, देखें जी, फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू 21 to 25। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का किस डेट के ऊपर? 2008 के ऊपर। डेबिट साइड पे इन्वेंट्री पड़ी हुई, IS2 रिसीवेबल पड़ा हुआ है, 5% लोन नोट पड़ा हुआ है। कौन सी एडजस्टमेंट है? IFRS 9 की एडजस्टमेंट, लोन नोट इज IFRS 9। क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है लायबिलिटी। अब इसने सही रिकॉर्ड किया है, गलत रिकॉर्ड किया है, कैसे रिकॉर्ड किया नहीं किया, वो हमें देखना है। अच्छा, इन्वेंट्री से रिलेटेड IS2 के अंदर कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर एक हाईली लाइकली इशू आता है नॉर्मली, अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। The 5% loan notes were issued for 9 million on 1st July 2008. Trial balance कब बना हुआ है? Trial balance को आप चेक करें डेट। Trial balance बना हुआ है दिसंबर 2008 का, और लोन नोट इशू कब हुआ है? 1st July 2008 में, यानी कि 6 महीने हो चुके हैं। इसने ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी इनकर्ड की थी? 0.5 मिलियन की, जो कि इसने कहाँ चार्ज कर दी थी? PNL में चार्ज करते हैं। एरर है, लोन इंटरेस्ट पेबल होता है हर साल जून में, हर साल 30th जून में पे होता है, यानी कि दिसंबर पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। एंड द लोन नोट इज रीपेबल एट द प्रीमियम गिविंग देम एन अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बैलेंस शीट के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर एक 5% लोन नोट पड़ा हुआ है 9 मिलियन का।
जो कि इशू भी 9 मिलियन पे हुआ, कोई बताएगा एरर क्या है इसके अंदर? एरर ढूंढे, है कोई जो एरर लोकेट कर सकता हूं? देखें क्या ट्रीटमेंट है फाइनेंशियल लायबिलिटी का, कि वो नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। तो यहां जो फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है वो 0.5 मिलियन की उसने फाइनेंस कॉस्ट में डाल दी, तो वो तो गलत ट्रीटमेंट हो गया ना फाइनेंस कॉस्ट का। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ 5% लोन नोट हाउ मच शुड बी एक्सपेंस्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2008। दिसंबर 2008 में यानी कि 6 महीने बाद एक्सपेंस होना क्या चाहिए? तो हम कहते हैं लोन नोट की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 9 मिलियन। इसमें से ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस करो 0.5 मिलियन, कितना आंसर आया? ये इसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए थी। तो हमने एक्सपेंस जो है 0.5 मिलियन का, ये एक्सपेंस ओवर स्टेट कर दिया। ये हमने एक्सपेंस ओवर स्टेट किया हुआ, सही है जी। अब फाइनेंस कॉस्ट जो लगेगी वो कितनी लगेगी? 8%। लेकिन अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए ना, तो फाइनेंस कॉस्ट लगेगी 6 महीने की ना, 8.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये बताएं कितनी हो रही है? 0.34। अच्छा फिर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट हम कब पे करेंगे? इंटरेस्ट तो हम जून में पे करेंगे ना, तो इंटरेस्ट तो अभी हमने कोई पे ही नहीं किया। इन दोनों को प्लस करो, सही है। तो हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए बैलेंस शीट में वो कितनी होनी चाहिए? 8.84, करेक्ट। अब वो पूछ रहा है, ये बताएं, सवाल की रिक्वायरमेंट समझें, क्या पूछ रहा है? क्या वो करेक्शन करने का बोल रहा है? करेक्शन का नहीं बोल रहा, वो कह रहा है ये बताएं हाउ मच शुड बी एक्सपेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस होना कितना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ 5% लोन नोट। तो हमारे जो करेक्ट एक्सपेंस है वो क्या है? 0.34। ये पीएनएल में जाना चाहिए ना, उसने 0.5 मिलियन पीएनएल में डाला हुआ है ऑलरेडी। और अगर हमें करेक्शन करनी होती तो करेक्शन बताएं कितना एक्सपेंस पीएनएल में गया हुआ? 0.5 मिलियन। जाना कितना चाहिए? 0.34 मिलियन। तो 0.5 माइनस 0.34 आंसर निकाल। 0.29 हैं, 0.5 में से 0.16 होगा ना, 0.16 एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ होगा, तो एक्सपेंस को रिड्यूस कर देंगे 0.16 मिलियन अगर करेक्शन पूछेगा तो। और सिंपली ये पूछ रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट की एक्सपेंस बताओ कितना होगा, तो 5% का जो एक्सपेंस हमने 0.34 डाला, सही है। 8% नहीं डालना क्योंकि 8% फुल ईयर के लिए, और बैलेंस शीट जो आ रही है डेट वो 6 महीने बाद आ रही है, इसलिए हमने उसको 6/12 कर दिया, ठीक है जी। गलत आंसर भी निकल सकता था, ये देखें गलत आंसर, 9 मिलियन का 5% निकाले, सॉरी 8% निकाले, कितना बनता है? 0.72 है आंसर, है ये भी है, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि लोन नोट नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड होता है इनिशियली, लोन नोट पार वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं होता, नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड होता है। तो हमने पहले उसको नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बनाया और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट डाल दिया, वो भी 6 महीने का, नॉट द फुल ईयर इंटरेस्ट।